अभी जो मैं शेयर करूंगा या क्वेश्चन पूछूंगा उसी पे वो रिप्लाई करेंगे ना, पता चल जाएगा। वेरी वेरी स्मार्ट वे टू पुट योर क्वेश्चन अहेड. बोलो 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 मिलन भाई. तो ये क्वेश्चन था मेरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको गौरव श्रीवास्तव जैसे आर्टिस्ट मिले, क्योंकि किसी भी राइटर के लिए ना ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि जो वो सोच रहा है, जो लिख रहा है, और उसी को अगर आर्टिस्ट मतलब खुद ड्रॉ नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, हायर कर रहा है दूसरा आर्टिस्ट, एंड ही इज एबल टू डू जस्टिस टू हिज स्टोरी, राइट? उससे बड़ी अवार्ड नहीं होती है किसी भी राइटर के लिए। तो गौरव श्रीवास्तव जी का जो आर्ट हमने देखा था, दैट वाज कम्प्लीटली अ फ्रेश टेक ऑन इंडी कॉमिक्स पब्लिकेशन फ्रॉम यू, राइट? तो वो आर्ट वर्क ऐसा नहीं था कि हम सिक्स पैक्स आप देख रहे हैं, बाइसेप्स देख रहे हैं और ये सब मस्कुलर हैं। वो जो नॉर्मली जिंदगी में जैसे आपको गुंडे मवालिया जैसे दिखते हैं मूवीज वगैरह में, या फिर तोंद निकले हुए हैं, मोटे हैं, तो इट्स फ्रॉम लाइक रियल लाइफ जो हमें देखने को मिला था, वो बहुत सही लगा था मुझे। और आई नो कि ए लॉट ऑफ रिसर्च शुड हैव बीन इन प्लेस टू क्रिएट दोस कैरेक्टर्स, क्योंकि आप मुझे बोलिए, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, स्केच कर लेता हूं मैं, तो ये जो बॉडी बिल्डर एनाटॉमी और ये बनाना, इट्स ए प्री कॉन्सीव्ड नोशन, आप कर सकते हो बिना आप किसी कोई रेफरेंस लिए भी आप बना सकते हो वो आर्ट। लेकिन अगर आप रोजमर्रा जिंदगी से कैरेक्टर्स आप ले रहे हो, किसी बस्ती में आप दिखा रहे हो, किसी बाजार में दिखा रहे हो, ये एक्शन सीन हो रहा है, ये हो रहा है, तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर यू टू राइट दो सीक्वेंसेस एंड द आर्टिस्ट टू विजुअलाइज इट एंड ड्रॉ इट ऑन ए पेपर। तो ये इस पे थोड़ा आप अपना व्यूज शेयर करें। सम अप इन वन लाइन, इट्स बेसिकली अ जर्नी. ये एक पूरी जर्नी है. मैं अपने आप को सच में बहुत लकी मानता हूँ. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद रियली अमेजिंग टैलेंटेड राइटर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. मोहंती से लेकर रामवी से लेके गौरव श्रीवास्तव हो गया, प्रसाद पटनायक, योगेश पुगावकर जिन्होंने रावणायन पूरी कलर की थी. बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं होलिका स्टार्ट करने के टाइम पे ना मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी. मैं राइटर आर्टिस्टों से काफी हद तक कनेक्टेड था और सबका हाल यही था कि सब कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाह रहे थे या कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे. ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत फ्लक्स में थी. 6 महीना इसके साथ काम करो, 7 महीना उसके साथ काम करो. आर्टिस्टों को और राइटरों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां वो अपना 2 से 3 साल कम से कम सिक्योर फील करके अपनी क्रिएटिविटी को निकाल पाए. सिक्योर फील करते हो कि भाई मेरी मंथली इनकम कहीं नहीं जाने वाली है, अब मैं अपने अंदर का जो टैलेंट है वो चैनल करूंगा. लेकिन अगर आप आधा टाइम ये चिंता कर रहे हो, यार ये तो यार अभी 3 इशू के बाद अभी चौथा इशू तो आया नहीं, क्या ये पब्लिश करेगा, या अरे यार इसने काम देना बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ. आर्टिस्ट और राइटरों के लिए बहुत दर्दनाक होता है बार बार कंपनीज चेंज करना. बिकॉज फिर वो कितने भी सीनियर लेवल पर हों, उन्हें अपना करियर बार बार किक स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत पेनफुल है. यहाँ मैं अपने खुद आर्टिस्ट होने को एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ कि मैं कंपनी को जो भी डायरेक्शन दे पाया दे पाया. जैसे आपने गौरव श्रीवास्तव की बात करी है, गौरव ने 2012 में कंपनी ज्वाइन की थी. आज 12 हो गए हैं उस लड़के को मेरे साथ काम करते हो, मेरे भाई के जैसा है लिटरली. मतलब 12 साल पुराना रिश्ता है. प्रसाद पटनायक ने 2013 में ज्वाइन किया था, उसको 11 साल हो चुके हैं. कोई तो रीजन होगा कि ये दोनों पट्टे आज भी चिपके हुए हैं, आज भी साथ में काम कर रहे हैं. रीजन ये है कि हम सब आर्टिस्ट हैं. गौरव का जो स्टार्टिंग में जैसे किसी का भी, मेरा भी स्टार्टिंग में काम बहुत बेसिक लेवल का होता है. हुआ ये कि हमने एक दूसरे से सीखा. गौरव थंबनेल्स दिखाते थे, मैं अप्रूव करता था कि हाँ गौरव यहाँ थोड़ा ऐसा कर लो, वहां सॉरी थोड़ा ऐसा कर लो. सॉरी विवेक भाई, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है, मैं आपको यहाँ यहीं पे टोकना चाहूंगा, अच्छा आप थोड़ा डिस्कनेक्ट करके आप फिर से ज्वाइन कीजिए, हाँ ये मिस आउट नहीं करना चाहिए हमें गाइस, तो ठीक है ठीक थोड़ा आप फिर से रिज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या होता है. दो रिज्यूम करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली देखिए, ऐसा होता है कि गौरव ने जब मेरे पास ज्वाइन किया था, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टार्टर, जैसे मेरा भी स्टार्ट हुआ था, आर्टवर्क बहुत बेसिक लेवल का था. अभी आप इस समय जो देख रहे हो तो बहुत इवॉल्व लेवल का आर्टवर्क है. मेरे साथ काम करने में ये फायदा हुआ कि
जिस भी आर्टिस्ट ने कंपनी को ज्वाइन किया कि हम साथ में मिलके काम करते हैं। जैसे पता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉमिक मेकिंग प्रोसेस में, आप हर स्टेप पे राइटर के साथ, आर्टिस्ट के साथ, कलर आर्टिस्ट के साथ, लेटरर के साथ, प्रूफ रीडर के साथ, से एंड तक उसको बेचने की भी आप वो रखते हो, तो आपको हर लेवल पे काम करना होता है। मी बीइंग एन आर्टिस्ट प्रूव्ड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द कंपनी। गौरव थंबनेल्स भेजते थे, हम लोग आर्टवर्क पे वर्कआउट करते थे, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं उनको दे रहा हूँ, जो उनके लिमिटेड नॉलेज है वो मुझे दे रहे हैं। मैंने गौरव को पुश बहुत किया है उस तोड़ने में, क्योंकि क्या होता है जब आपको नॉलेज नहीं है ड्रॉ करने की, जब आप खुद आर्टिस्ट नहीं है तो आपका दायरा लिमिटेड हो जाता है, आप सिर्फ 10 कॉमिक पढ़ के आर्टिस्ट को गाइड नहीं कर सकते। आर्टिस्ट गाइडेंस एक बहुत अलग चीज होती है। जब दो आर्टिस्ट आप मिलकर काम करते हैं, और हो ही रहा था कि उस समय मैं भी रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा था, ठीक है, गौरव भी कर रहे थे, एक दूसरे से हम एनर्जी का जो इनफ्लो था वो भी सॉलिड था, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होता ना, यार मैंने आज ये पेज बनाया, अरे वीजी देखिए मैं ये पेज बनाया आज, तो एक वो बहुत सॉलिड था, उसने बहुत ही प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और गौरव को मैंने बहुत पुश किया है, गौरव के साथ अच्छी चीज ये है कि उस आदमी में ईगो जीरो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, कुछ भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये पता है कि मैं ये सब उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको निकालने के लिए कर रहा हूँ, एंड बुक बाय बुक वो उसने भी देखा है और मैंने भी देखा है। तो जनरली नहीं, तो अगर आपको जैसे मैं आर्टिस्ट नहीं होता, ठीक है, तो आर्टिस्ट मुझे बोल सकता है कि सर अगर ऐसा ही है तो आप करेक्शन दीजिए ना, आप बना के दिखाइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ ये हो नहीं सकता बिकॉज मैं बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स भी किया हुआ है तो मेरा जो कलर का नॉलेज है वो भी अच्छा है एक किसी भी नॉर्मल आर्टिस्ट के मुकाबले, क्योंकि मैंने कलर थियरी पढ़ी है कॉलेज में। इस चक्कर में जब प्रसाद मेरे पास सीखने आया 2012 में, प्रसाद तो कलर आर्टिस्ट है और मैं तो प्रोफेशनल कलर आर्टिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मुझे कलर व्हील पता है, मुझे कलर पैलेट पता है, मुझे पता है क्राइम बुक्स में, नोआर बुक्स में, सॉरी नोआर में तो कलरिंग होती नहीं है, क्राइम बुक्स में कैसी कलर होता है, सुपर हीरो बुक्स में कैसा कलर होता है, डिटेक्टिव कॉमिक्स की कलर पैलेट क्या होती है, ये सारी चीजें कॉमिक बुक को एनहांस करती है। और जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, जितने भी राइटर आए हैं, आई मेक किसी का पर्सनल ईगो बीच में ना आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वाज ब्लेस्ड टू हैव दीस पीपल जो सबके सब एक ही चीज में बिलीव करते थे कि एंड रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। आज अनिरुद्ध ने मुझे रूडली बात, या मैंने गौरव को कुछ बोल दिया, या मैंने प्रसाद को कुछ बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट है जो मैटर करता है और यही हम लोग को आगे लेके जाएगा। बट एज अ टीम, तो मैं, गौरव और प्रसाद, हम तीन ऐसे लोग हैं जो एकदम स्टार्टिंग से जुड़े हुए। विजेंद्र मोहंती ने कुछ टाइम काम किया, फिर वो ब्रेक पे चले गए, आजकल वो देश सेवा कर रहे हैं, और रामवी ने कुछ टाइम काम किया, फिर वो अपने करियर को लेके आगे चले गए। तो लोग आए और लोग गए बहुत काफी मात्रा में, लेकिन जो तीन कांस्टेंट रहे हैं कंपनी में वो मैं, गौरव, प्रसी, इन दोनों को मैं होली काओ का असली स्तंभ मानता, बिकॉज़ ये लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और इन दोनों के साथ मेरा रिलेशन अब फैमिली टाइप का हो गया है, ठीक है, और ये रहेंगे हमेशा, मुझे पता है ये कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि मतलब आपका जो नेम रहता है आर्ट डायरेक्शन पे, हर ऑलमोस्ट इन ऑल कॉमिक्स आर्ट डायरेक्शन आप ही का नाम है, और ये आर्टवर्क को लेके रिलेटेड सवाल है कि आर्टिस्ट आप एक नहीं, दो नहीं, चार चार आर्टिस्ट यूज करते हैं किसी किसी एक कॉमिक्स में, मैंने देखा है, और सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि आप मतलब जो प्राइमरी स्टोरी लाइन है वो गौरव जी कर रहे हैं और फ्लैशबैक आप कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है जो फ्यूचर दिखा रहा है या पास्ट में कोई, या पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और उस पे सोमन जी काम कर रहे हैं, कोई भी दूसरा आर्टिस्ट भी काम कर रहा है, तो वो थॉट मतलब कैसे आता है आपको कि अच्छा चलो कहानी तो मुझे मिल गई और ये सीक्वेंसेस हैं और मैं चाहूं तो इसको एक आर्टिस्ट को भी यूज करके करा सकता हूं या फिर चार आर्टिस्ट को, लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू यूज मल्टीपल आर्टिस्ट इन अ कॉमिक्स? अगेन द वर्ड इज वैरायटी। आप बिरयानी खा रहे हो, ठीक है, आपको बिरयानी परोस दी, ठीक है, बिरयानी में रायता नहीं है, अचार नहीं है,
पापड़ नहीं है, आप सादे चावल और ग्रेवी और जो भी इसके साथ खा रहे हो उसकी बात अलग है, अचार भी आ जाए, पापड़ भी आ जाए और दही भी आ जाए, रायता आ जाए, तो उसका जो जायका होता है उसमें फर्क पड़ता है ना। ये एक रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस है। वैरायटी बहुत जरूरी है, इसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो ये कि आपके पास मेन स्टोरी के लिए, और ये आइडिया मेरा ही रहता है जनरली, कितने आर्टिस्ट यूज करने हैं, कौन सा सीक्वेंस कौन करेगा, मेन कौन करेगा, सपोर्टिव सीक्वेंस कौन करेगा, फ्लैशबैक कौन करेगा, उसमें से कौन सा आर्ट ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। देखिए मैं फाइनल बंदा हूं, ठीक है, मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता है आर्टवर्क में, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टों को एक्यूमुलेट कर पे सबका टैलेंट यूज कर पाऊं। इसमें आपको दो चीजें देखनी होगी है, एक तो वो आर्टिस्ट जो आपका मेन सीक्वेंस करेगा, जो आपका मेन भरोसे वाला आर्टिस्ट है, जो बुक को छोड़ के नहीं जाएगा और बुक को डिले नहीं करेगा। दूसरे कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जैसे सौमिन पटेल हो गया, मुक्ति हो गया, कोराग भौमिक हो गए, राजीव दास हो गए, ओके, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपको लंबा कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आपको फिर भी इनका आर्टवर्क बहुत पसंद है और आप यूज करना चाहते हो इनका टैलेंट, तो आप जुगाड़ लगाते हो, तरीके निकालते हो, यार मेन स्टोरी गौरव कर रहा है बट ये एक ड्रीम सीक्वेंस है जो शायद सौमिन के आर्ट में अच्छा लगेगा, और क्योंकि इसके 7 पेज हैं तो वो सौमिन आराम से कर भी पाएगा बिकॉज ये बड़ा कमिटमेंट नहीं है, और वही आपकी किताब में 4 चांद लगाता है, वैरायटी लेकर आता है, बिकॉज जब रीडर पेज पलटता है बोलता अरे ये क्या है। ये मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा, और दूसरा लॉजिस्टिक का भी एक इसमें बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हो जाता है कि एक 100 पेज की किताब है जिसको गौरव कर रहे हैं। अब गौरव वो 100 पेज की किताब को एवरेज करने के लिए 4 महीने लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें 2 सीक्वेंस हैं जो कि डेस्टिनी सीक्वेंस से कोई लिंक नहीं रखते, रिलेटेड नहीं है, जिसमें मैं 2 अलग-अलग आर्टिस्टों को यूज कर सकता हूं, एक 8 पेज कर रहा है, एक 20 पेज कर रहा है, तो गौरव के पास 72 पेजेस बच गए, तो आपका बैंडविड्थ भी तो कम होती है ना, आपको फिर किताब खत्म करने को 4 महीने नहीं 3 महीने लगेंगे। तो हर फैक्टर में अगर आप देखें मल्टीपल आर्टिस्ट यूज करने का बहुत फायदा होता है, लेकिन वो तभी होता है जब एक आर्टिस्ट एक पूरे सीन को कंप्लीट करे। ऐसा नहीं है कि 1-40 एक ने कर दिया, 41-50 एक ने कर दिया, 51-60 एक ने कर दिया। कोरेंस कोरेंस ब्रेक होता है, हाँ, सीन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, हाँ, सीन में आर्ट ऑफ फ्लो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको आर्टिस्ट भी स्मार्टली चूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करोगे मेरे हर्षो मोहन चट्टोरा, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मैंने हमेशा या तो सुपरनैचुरल या क्राइम सुपरनैचुरल के लिए यूज किया है। दैट मैन इज उबर टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू रेगुलर पीपल, डे टू डे पीपल, ऑफिस क्लर्क्स, स्कूटर, साइकिल वाला, रिक्शे वाला, हाउसवाइफ्स, बच्चे वगैरह वगैरह। गौरव का स्ट्रेंथ सुपर हीरोज में है, सौमिन का साइकेडेलिक सीक्वेंसेस में है, माइक मिग्नोला टाइप की स्टोरीज के सीक्वेंस में है। आपको राइट आर्टिस्ट चूज करना जिसके एस्थेटिक आपकी बुक को एनहांस करते हैं। अगर आप ये कर पाओ इस लेवल पे, तो आपकी बुक बहुत सक्सेसफुल बनके निकलती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेशन डी के क्रॉसओवर, 8 आर्टिस्टों ने कंट्रीब्यूट किया है और सबने अलग अलग सीक्वेंस निकाले हैं और बहुत ब्यूटीफुली निकल के आए हैं। और वो सीक्वेंस जब चेंज होता है ना, तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता बिकॉज आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। मीनवाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, उसके लिए आप दूसरा आर्टिस्ट यूज कर सकते हो, आपको ऑनगोइंग वाला बंदा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो, बट वैरायटी ब्रो, वैरायटी। एक चीज मैंने नोटिस किया है शैतान सिंह बुक 1 में, ये फ्लैशबैक सीन्स शायद आपने दूसरे आर्टिस्ट से बनवाए हैं और उसका कलर पैलेट दूसरा है। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग उसमें मैंने नोटिस किए, जो पैनल जाके मर्ज होता है दूसरे, यू नो, ट्रांसओवर टू द करंट टाइम and the past, उसमें एक character आप present time का with this color palette in the background of the, you know, the color palette of the flashback, ये idea मैंने देखा है बीच बीच में, जैसे कि that lady character is standing in the same room और next scene में you are going to transover to the current time, तो सिर्फ वो character color you know present इसमें है और बाकी background उसमें, but that is not for the full page or the other pages में जहाँ वो है, so that transover thing बहुत intelligently डाला है आप लोगों ने, वो idea किसका था उस book में? उसका credit मैं लेना चाहूँगा। ऐसे आपने होलिकाओं में जितने भी sequences देखे हैं, होलिकाओं
इस आर्ट के ऊपर किताबों में जितना भी आपने ये तिया पाचा देखा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। सुपर नेचुरल के लिए ही तुम्हें पिक किया जाता है बट ही सेड कि ही इज अ मोर वर्सेटाइल आर्टिस्ट बट उस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे यहाँ मिला आपसे कि इट वॉज नॉट हिज चॉइस इट वॉज योर चॉइस हु इज गोइंग टू डू दैट बट यहाँ पर एक बाकियों की नॉस्टैल्जिया जर्नी भी तो पूछ लें होली काओ की वरना दादा एडमिन के बाद बाकी लोग सिर्फ बैठे हैं जो कि आरसी से हटते ही नहीं है वो कैसे होली का उपाय होली का उपाय तो जानने का सवाल है नहीं होली का उपाय जैसा मुझे लगता है कि वही जैसा विवेक भाई ने बोला ना कि 2021 में उन्होंने शुरू करा वापस से रीप्रिंट करना एंड एक्सपेरिमेंट करना अपने प्रोडक्ट्स के साथ तो वो मुझे लगता है वो पीक टाइम था हम लोगों के लिए भी जब हम लोगों ने आरसी के बहुत सारे रीप्रिंट्स लेना शुरू करे थे और हम लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते थे कि कलेक्टर एडिशन लिया जाए या पेपर बैग्स लिया जाए और हम लोगों के लिए डिसीजन सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि हम लोग किताबों के पैसे तो देते ही थे उसके साथ साथ शिपिंग के भी पैसे देते थे जो कि कॉमिक्स से ज्यादा हो जाती थी हमेशा और उसमें अगर कोई खराब प्रोडक्ट आ जाता था ना तो दुख भी होता था कि अब ये उम्र भर के लिए किताब मेरे शेल्फ पे रहेगी और इस दुख के साथ रहेगी कि इसका फलाना फलाना इशू फट रहा है निकल रहा है ठीक है और उसमें मतलब जो अपने पसंदीदा किताबें हैं किरदार हैं उनके साथ ये दुख हो रहा है उसमें अगर मिलन या दादा या कोई भी हमारे ग्रुप में सजेस्ट करता था यार तुम अघोरी पढ़ो शैतान सिंह पढ़ो मैं बोलता था यार ये सब क्या है यार ये सब मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है मतलब कोई इसका पीडीएफ भी नहीं है ऑनेस्टली मैं थोड़ी बहुत पेजेस देख लेता हूँ आर्टवर्क पसंद आया स्टोरी पसंद आई तो मैं जा करके पैसे लगाता हूँ मैं बोलता हूँ ठीक है फिर अब मैं शिपिंग भी पे करूंगा कलेक्शन में भी रखूंगा और ये सारी चीजें मैं बोला ठीक है यार एक आदमी नहीं बोल रहा ग्रुप में सारे लोग बोल रहे हैं अघोरी बहुत अच्छी है चैतान सिंह बहुत अच्छी है और इसका रीप्रिंट आ रहा है आप कलेक्टर एडिशन ले लो मैं बोला ठीक है जब इतने सारे आ रहे हैं तो फिर इन्हें भी लिया जाए तो जब आया तो फिर मैं समझ गया था कि ये भी फटने ही वाली है जैसा मैंने पहले कहा इंटरव्यू में कि लेकिन जब वो आई हाथ में आई तो आर्टवर्क तो था ही अच्छा लेकिन आर्टवर्क से पहले मैंने बाइंडिंग की ही तारीफ करी और मुझे लगता है उस दिन हम लोगों का कॉल एक आध घंटे का चला होगा व्हाट्सएप पे जब हम लोग सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं कि नहीं यार तुम्हारी भी अच्छी आई मेरी भी अच्छी आई मेरे को ये जानना था कि किसकी खराब आई क्योंकि कई बार होता है ना कि लॉट खराब आ जाती है किसी के पास मुझे ये मुझे जेन्युइनली जानना था कि यार मेरा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है क्योंकि क्योंकि मेरी हर बार आरसी की किताब खराब ही आ रही थी उसको तो मैंने सबने बोला कि नहीं नहीं इस बार विवेक ने बहुत अच्छा निकाला है और ये थोड़ा हटके है इंटरनेशनल क्वालिटी की किताब है ये मैं बोला यार ये तो वाकई अच्छी है तो फिर नेक्स्ट किताब जब आएगी तो फिर मैं देखूंगा और शैतान सिंह क्योंकि वो थोड़ा सा मिलिट्री बैकग्राउंड से था थोड़ा ह्यूमन कैरेक्टर था उसका सुपर नेचुरल ना होकर के तो मुझे ये आइडिया ही बहुत पसंद आया था फिर उसके बाद कुछ सैंपल पेजेस मिलन ने शेयर करे थे तो मैं बोला यार अगर इस क्वालिटी की पहली किताब आई है तो सेकंड क्वालिटी की अच्छी ही होगी और जैसा कि आपने जब दिखाया था तो शैतान सिंह थोड़ी पतली थी कंपेयर्ड टू अघोरी मैं बोला डेफिनेटली इसकी बाइंडिंग टिकने वाली है आर्टवर्क भी अच्छा है गौरव श्रीवास्तव का है कहानी तो मैं एक्सेप्ट कर ही लूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे पसंदीदा फील्ड से है तो ये दो किताबें अभी मेरे पास हैं अभी मैं और भी किताबें लूंगा बट द पॉइंट इज कि मेरी ये अर्ली मेमोरीज है 2021 से ही मैंने पढ़ना शुरू किया है उससे पहले मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा था होली का बट विवेक भाई जो पब्लिशर जल्दी आ गए भाई आपका एक्चुअली हिंदी में लाने की वजह से हमारे बाबा ने खरीदा है अगर वो इंग्लिश की सी होती है शायद वो ना लेते वो मैं एक चीज मैं विवेक भाई वो बोलना चाहता हूं कह रहा हूं कि वो अभी बोल रहा है पब्लिश करने का डिसीजन या ये बात भी सही है ये जो रामवी वाली जो बुक है स्पेशली
उसको ओमनिबस फॉर्मेट में लाके इंटरनेशनली लॉन्च कीजिए, क्योंकि अभी रामवी इज लाइक हॉट प्रॉपर्टी, लाइक इज लाइक यू नो व्हाट ही इज डूइंग नाउ, राइट? इट्स लाइक एवरीवेयर, यस, व्हाटएवर ही इज राइटिंग इज सो गुड एंड इट्स गोल्ड. तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू ब्रिंग इट. मे बी आप किसी कंपनी से टाई अप करके अगर यूएस मार्केट में वो बुक ला सकते हो इन इंग्लिश, टाई अप करके ही करना पड़ेगा. आई हैव टू, आई हैव टू वर्क विद अ पब्लिशर अब्रॉड बिकॉज मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा. आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ एंड द टाइम एंड द बैंडविड्थ. इट हैज टू हैपन यू नो विद अ पब्लिशर फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, साइनिंग अ डील विद अस एंड देन दे विल प्रिंट इट, दे विल प्रिंट इट. Correct. I think it's the right time to leverage. That's a good idea. You have a Ramvi book. Now. Yes, I have. Yes, that's a very big thing. Yeah, yeah. You're absolutely correct. अभी थोड़ा सा. Okay, coming back to. भूमिका के चक्कर में पूरा वो चल रहा है, मतलब बिल्कुल समय मिल पा रहा है, ठीक है, पुरानी editions पे ध्यान देने पे. बट जैसे ही थोड़ा हमारा ऑल न्यू होलिकाओं का इनिशिएटिव थोड़ा किक स्टार्ट करता है, थोड़ा उसमें आ जाता है, रोड पर आ जाता है प्रॉपर्ली, तब इस बारे में डेफिनेटली मैं कुछ करना चाहूंगा. कमिंग बैक टू नॉस्टैल्जिया ऑफ होलिकाओं, तो इंद्राशीष भाई आप थोड़ा क्विकली बताइए आपका एक्सपीरियंस. मैं क्विकली बता देता हूँ. मैंने शायद पहली बार होलिकाओं का देखा था 2014-15 में अमेजन में. मैंने बस एक ही वजह से नहीं लिया था, मैंने 2003 में साधु पढ़ी थी वर्जिन की एक इशू. मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, उसके बाद वो कभी मिली नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे ली थी. तो आई डिडंट वांट टू अगेन, अमेज़न पे जो मिल रही थी वो कंप्लीट सेट नहीं था, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता था. तो ड्यू टू सम रीजन दैट मिसकंसेप्शन आई अवॉइडेड दैट. बट जब 2021 में जब वो फर्स्ट टाइम मतलब फुल हार्ड कवर में लीजिए, आई वॉज देयर इन दैट टाइम इंडिया, तो मैंने उसको लिया. और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं पढ़ने से पहले मैंने उस किताब को मतलब काइंड ऑफ टेस्टिंग किया, उलट पलट करके देखा, रे मस्त सी है, मतलब इट्स वेरी गुड क्वालिटी वाइज. और फिर मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, मतलब इट वाज वेरी मतलब आई वोंट से जैसे विवेक जी ने बताया, गौरव श्रीवास्तव एंड लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट दोज हैव वर्क्ड ओवर देयर अमेजिंग. तो आई थिंक इट दैट बॉट काइंड ऑफ बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. उसके बाद मैंने शैतान सिंह ली, ओडी के सारे पढ़े मैंने, कास्टर, एवरीथिंग, आई हैव ऑल ऑफ देम राइट नाउ. मींस वो बोलते ना एक ट्रस्ट फैक्टर विच हैपेंड, ब्रांड फैक्टर, राइट, कि मुझे पता है. सो या एंड दैट जर्नी कंटिन्यूज. जीत भाई, योर जर्नी. मुझे लगता है मुझसे पहले आप आने चाहिए, आपकी वो तस्वीरें भी हैं, राइट, विवेक भाई के साथ. ये सबसे पुराने दोस्त हैं, राइट? तो आई नीड अमित भाई पहले. नहीं तो विवेक भाई को मैं पहले विवेक सर बोलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था. अभी विवेक भाई और अभी मक्कार पब्लिशर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं उनको. अभी हम सब में सबसे न्यू जनरेशन अमित है और होलिका न्यू जनरेशन कॉमिक्स है, सो ऑब्वियसली दिस टू मैच. नहीं बट मैंने ना कॉमिक कॉन अटेंड किया था 2014 का, और विवेक भाई काफी, जैसे अभी हमारे पॉडकास्ट में ना वैसे ही रियल लाइफ में भी काफी ओपन है. उनके पास गया मैं, काफी बातें बातें करी, और इनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अपनी बुक आपको चिपका ही देंगे जैसे तक. वो बिजनेस बिजनेस वाला जो दिमाग होता है ना कि मुझे अपनी बुक. आई बिलीव इन दिस एब्सोल्यूट फैक्ट दैट कॉमिक बुक्स डू नॉट सेल देमसेल्व्स, यू हैव टू मेक द इनिशियल एफर्ट. वो आपने एफर्ट कर दिया एंड इफ द बुक इज रियली गुड देन द कस्टमर विल ऑलवेज कम बैक. बट टू अ न्यू कस्टमर यू हैव टू बी शेमलेस, यू हैव टू बी एब्सोल्यूट शेमलेस, और आपको 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 नंगा होके किताबें बेचनी पड़ती है. बिकॉज़ हां हां तो वो आपने मतलब करेक्ट, तो आपने मतलब 2014 जो कॉमिक कॉन मैंने अटेंड किया था उस समय शायद आरसी भी आई थी, बट मैंने आपका स्टॉल भी विजिट किया था, शामिक का भी किया था एंड बाकी लोगों का भी किया था. तो आपसे फिर मैंने शायद वहां पे होलिकाओं के ये अघोरी के कुछ बुक्स लिए थे, दो या तीन बुक्स आए थे तभी, सिंगल इश्यूज इंग्लिश में. और आई थिंक उसके बाद फिर मैंने फ्लिपकार्ट से और बाकी जगह से भी अघोरी क्लिक किया, फिर बीच में थोड़ा गैप आ गया था. बट 2019 में मैं वापस कॉमिक कॉन गया और वहां पे जो भी पेंडिंग थे सीरीज वो लिया मैंने. लाइक मेरे पास वो मुकेश सिंह का कवर आर्ट वाला, गंगा वाला जो आपने कॉमिक्स निकाला था ना, गंगा वाला था, भीष्म, शोकेस, गंगा भीष्म, वो भी लिया.
द लास्ट असुरा लिया था वहां पे, और अभी मैं एक्चुअली 2019 तक मैं एनआरआई नहीं था, 2020 से ही बना हूं, तो अभी जब मैं शायद नेक्स्ट आपको विजिट करूं कॉमिक कॉन में तो मैं बाकी की भी बुक्स लूंगा। अभी मैंने इधर कुछ भी नहीं मंगाया नया जो भी है, बट शैतान सिंह मेरे पास है इंडिया में, अघोरी पूरा है मेरे पास, 13 सिंगल इश्यूज जो भी आपने रिलीज किए थे वो, और एनुअल भी है, शायद आपने एनुअल भी मुझे दिया था, एंड गंगा वाला इशू है, और नहीं ना द एज ऑफ इमॉर्टल भी है मेरे पास, सौमिन का आर्ट है ना उसमें, सौमिन का आर्ट है। हाँ हाँ, मिला के टोटल टोटल 19 इशू होते हैं, फिर अगर आपके पास 13 है तो कुछ मिसिंग है। 13 शायद कंप्लीट थे, उसके बाद ये बाद में आया था एज ऑफ इमॉर्टल वाला आई गेस। हाँ, मतलब मैंने 2019 के बाद नहीं खरीदा कुछ भी जो कॉमिक कॉन में लास्ट आपसे लिया था, तो ये छोटी सी जर्नी थी, और ये मतलब आपके साथ मेरे समझ सकता हूँ। शिपिंग प्लस काफी इश्यूज हैं, उसके लिए अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा, एनआरआई लिविंग इन यूएस व्हाट दे गो थ्रू टू गेट अ सेट ऑफ कॉमिक्स, राइट? यस यस, तो ये छोटी सी जर्नी थी, और मेरे शायद आपके साथ 2-3 फोटो हैं, तो ये लोग वही मजाक उड़ाते रहते हैं, भाई तुम तो पुराने दोस्त हो विवेक के, और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली है, मतलब बहुत सच भी है, राइट? हम में से अगर कोई है जो पहले विवेक जी से मिला है, दैट इज ओनली अमित। मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि अमित भाई एंड विवेक भाई बोथ ग्रू ओल्ड टुगेदर, तो मैं बताता हूँ, विवेक भाई का नाम मैंने पता है कहाँ पढ़ा था, सौम्या दास, राइट? वो मेरा कजन है, राइट? जो अभी वायलेटेड वगैरह लिख रहा है, तो उसकी जो पहली किताब जो मैंने देखी थी ना, उसने वेयरहाउस भी बोला है, बट वेयरहाउस नहीं देखा था मैंने, वो वाली किताब देखी थी, ठीक है? एंड ही इज अ वेरी, मतलब वो मतलब कॉमिक फैन है, और मतलब मुझसे बियॉन्ड कॉमिक फैन है, लाइक ही वाज ऑलवेज लाइक कि मतलब पांडा ब्रदर्स के साथ वो चेस खेलने जाता था, लाइक ही वाज लाइक बचपन से ही है, मतलब ही न्यू ऑल दीस क्रिएटिव्स, ही ग्रू अप विद देम, राइट? सो मैंने वो बुक, राइट, तो उसकी जो मैंने बुक पढ़ी थी, स्टोरी एटसेट्रा, तो मेरे भाई का है, तो मेरे तो बायस इंटरेस्ट ही रहेगा, बट क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं खरीदता था, मैं लेके वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक आरसी नॉस्टैल्जिया, ठीक है, मतलब वहां से तो मुझे हटना ही नहीं है, राइट? इतने, एंड आई वाज नेवर, कि मैंने कभी छोड़ा नहीं आरसी, वो 3 किताब भी अगर साल की आ रही है ना, 2000 से 2020 तक सारी खरीदी हैं, मतलब मुझे इतना याद है, वरण कांड आ चुकी थी, ग्रहण कांड के आने से पहले मैं यूएस के लिए निकल रहा हूँ, और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं नई कंट्री जा रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं था, ग्रहण कांड मुझे कैसे मिलेगी, आई वाज दैट मच इनटू दैट, राइट? कि आई जस्ट नीड टू स्टिक टू इट। फिर इस ग्रुप में आया एंड फिगर्स, एक्शन फिगर वगैरह बना रहा था, एंड आफ्टर प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल मुझे ऐसा लगा कि यार आई नीड टू इन्वेस्ट इनटू लाइक इंडियन पब्लिकेशंस, राइट? एंड जैसे ही लोगों को पता चला ना, लोगों अंशुल भाई, अमित भाई, अघोरी देवर, लाइक कि ओके यार अघोरी करना है, ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें बनाना है कुछ बियॉन्ड आरसी तो डू फिगर ऑफ अघोरी। एंड आई वाज तब तक आपके खौफनाक किस्से भी थे कि अमित भाई की यार मैं कुछ खरीदूंगा नहीं, क्योंकि वीगो से जब मिलूंगा वो तो बेच ही देगा मेरे को, सो आई डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, ठीक है, एंड एवरीथिंग देयर। एंड आई वाज लाइक यार मैं देख रहा हूँ एक बंदा जो इतने सालों से है बियॉन्ड आरसी एंड ही स्टिल सर्वाइविंग, राइट? आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद हिम, कि मतलब मैंने कुछ बनाया एंड उसने कुछ कह दिया, फिर मैं, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू गो बैक टू जस्ट फोकस ऑन आरसी, राइट? सो आई वाज थिंकिंग यार फिर लेट मी फाइंड समथिंग जो थोड़ा शांत स्वभाव का लग रहा है, तो फिर मैं बुलसाई पे गया कि ठीक है लेट मी स्टार्ट विद बुलसाई, लेट मी थोड़ा हाथ पक्का करता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक टू होली काउ, क्योंकि लाइक एक आर्टिस्ट भी है, राइट? लाइक देयर आर मेनी अदर थिंग्स, राइट? इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग इट हैज टू बी मैचिंग दैट स्टैंडर्ड। सो देन आई स्टार्टेड ऑल दिस बुलसाई के बनाए, बाकी जितने पब्लिकेशन, चीज बर्गर, आर के, सबके कैरेक्टर्स बनाए, दे वर वेरी इजी। Then I came की अब मुझे बनाना, मेरा नंबर एकदम लास्ट पे आया था। हाँ, तब तक आपने वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके सब सीखने के बाद ही उन्होंने होली काओ के कैरेक्टर को दिया। I think जीत भाई को अघोरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसके आर्ट की वजह से he was not able to replicate it, right?
वो तो बहुत अघोरी पे तो लास्ट आएंगे, अघोरी तक तो जाए भी नहीं, अभी अघोरी पहुंचा भी नहीं हो, ठीक है। इस बीच मैंने जब मैंने शोकेस करना शुरू किया अपने नॉन आरसी फिगर्स, तो विवेक गोयल भाई का मैसेज डायरेक्टली आया, डोंट यू रीड होली कॉ, राइट? वो सीधा आरोप लगाते हैं, राइट? जनरली आप कैसे करते, आप शुरू करोगे, मैंने पहले आपके अंतरात्मा को अपील कर दिया कि साले तुमने तो देखा ही नहीं मेरी किताब को, ठीक है। तो मैं डिफेंस पे आ गया, तो उन्होंने मुझे रीडिंग लिस्ट भेज दी। एंड मेरा कैसे था ना कि कैरेक्टर मुझे थी यार, मेरे को ना कॉपी नहीं करना है, मुझे वो बुक पढ़नी है। एंड प्रॉब्लम ये भी था कि आपके इतने आर्टिस्ट, ठीक है, कि मैं कहीं पे अघोरी की एक फोटो देख रहा हूँ, वही वेरिएंट कवर ललित का कुछ और है, फिर मैं कुछ किताब में देख रहा हूँ कहीं कुछ और है, तो मुझे पता नहीं कि मैं किसको लेके बनाऊं। जीत भाई अटक गए, पास 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 गए हैं, नहीं उनका कनेक्शन का इशू हो गया शायद। मैसेज करता हूँ यार उनको, दोबारा नेक्स्ट ईयर आता हूँ। नेक्स्ट ईयर क्या ये अपॉर्चुनिटीज छोड़नी नहीं चाहिए? नहीं, एक्चुअली लास्ट वन ईयर से मैं भी थोड़ा इधर उधर मूव हो रहा था ना, तो आई सिंगल इश्यूज का कलेक्ट करने का मेरा भी डिसकंटिन्यू हो गया। राइट नाउ द मोस्ट अपडेटेड गाय इन आवर ग्रुप इज इंद्राशीष, फॉलोइंग वीकली कॉमिक्स नाउ बेटर देन मी। आई रियली यूज टू एंजॉय योर अपना स्मॉल वीडियोस जो आप कॉमिक बुक स्टोर में डालते हैं। आप समझ सकते हो शायद, एवरी वेंसडे कॉमिक बुक नई शेल्फ पे देखना का जो इट्स सो ऑर्गेज्मिक, और वो ऑर्गेज्म हमें यहाँ नहीं मिलता है। नहीं मिलता ये हमारा ग्रुप का डायलॉग है वैसे भी, एक भाई आपसे ही हमने सीखा है, जो भी कुछ अच्छा लग जाता है ऑर्गेनिक बोल देते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक मेन डायलॉग बोलो, दिस इज YouTube पे अलाउड नहीं है, ऐसे ही उसके वेरिएंट भी लाए थे, राइट? टैग कर देना यहां पे, हां नहीं दिस इज बीप था, उसके बाद हम वेरिएंट्स लाए थे, दिस इज बीप बीप बट दिस मुझे शुरू में आइडिया नहीं था कि ऐसा एक दिन होता है जिस दिन सारे पब्लिशर की कॉमिक्स इकट्ठे फ्रेश आती है। व्हेन आई न्यू अबाउट इट, इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग चीज फॉर नर्ड्स, मतलब नई कॉमिक्स ऐसा। ये हमें पता था कि हर बुधवार को लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो पता नहीं था पहले, दादा से हम सुने हैं कि बुधवार को जाके ये संतरा छील के आते थे। और मैं जब बुधवार को जाता था तो आई यूज टू विजिट, लाइक मैंने धीरे धीरे ये चीजें देखते कि पता चली मुझे कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सुबह 11 बजे दुकान खुलने से पहले लाइन लगाते हैं और स्पेशल कवर उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है, और पहुंचे नहीं तो ध्रुव का कॉमिक्स पहले सेल हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलेगा, ऑनलाइन है नहीं यहाँ, मतलब मैं अगर ये यहाँ अभी भी चल रहा है, दिस थिंग एग्जिस्ट, दिस इज अमेजिंग। तो सिंगल इशू काफी आपने अघोरी का नंबर लास्ट में आएगा क्योंकि आर्टिस्ट का प्रॉब्लम था आपको, डिफरेंट आर्टिस्ट का था, राइट? तो मैंने सबसे पहली जो बुक पढ़ी थी होली कॉ की, वो ऑपरेशन डीके पढ़ी थी और मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मतलब अश्विन कलमनी का मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुका था बुलसाई में, बट द हर्षो का आर्ट एंड अश्विन की वो जो स्टोरी थी, राइट, एंड द वे दैट होल स्टोरी वाज रिटन, आई वाज रियली अमेज्ड, राइट, द ओडी वन से कि एंड मतलब जो आप द वे उसकी फिलॉसफी भी, लाइक समहाउ आई सॉ कि शैतान सिंह और ओडी दोनों में ना एक बहुत फिलोसफिकल बैटल भी है, द वे, राइट, लाइक दे वर सेइंग कि रादर देन यू गोइंग टू एंड, द एंड इज कमिंग नियर यू, डीके का ऐसा जो सारा चल रहा है, तो
तो ये जो चीज होती है ना फिलोसफी को एज एन आर्ट प्रेजेंट करना दैट वाज लाइक अमेजिंग फॉर मी व्हाट आई सॉ देयर एंड देन आई मैंने फिर वो सबसे पहले आयुध बनाया आई डिड दैट आई न्यू तब तक कि मैंने काफी विवेक भाई के पॉडकास्ट देखे थे कि ही इज अघोरी उनकी खुद की मतलब जॉइंट आईपी है बट इसीलिए वो असुरन को बहुत ज्यादा चाहते हैं ठीक है मोर देन अघोरी राइट सो मैंने बोला कि यार असुरन अघोरी हैज टू बी लास्ट जो तब तक बाकी सब पे ट्रायल कर लो कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो फर्क नहीं पड़ेगा शैतान सिंह इज इजी कोई भी जी आई जो को लो मॉडिफाई कर लो यू कैन डू इट कास्टर तो भाई कॉजर को डायरेक्टली रिपेंट कर दो तो बन जाएगा लाइक इट वाज लाइक एंड देन सारा करने के बाद देन आई वेंट कि अब ठीक है सारा हो गया अब करेंगे असुरन तब तक सी भी आ गई थी तो मेरे लिए बुक्स भी एक और चीज होती कि आई हैव टू हैव दैट एज माय कवर आर्ट ऑन माय कार्ड बैक सो देन आई डिड असुरन असुरन पे विवेक भाई को बहुत अच्छा लगा उन्होंने काफी पसंद किया तो मुझे लगा कि हाँ यार अब वो हो रहा है तो अब चलो अघोरी पे काम करते हैं सो देन आई वर्कड ऑन अघोरी यही रखा हुआ है अपना राइट थोड़ा थोड़ा सेंटर में थोड़ा ज़ूम तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर उसके हैंड में ना वो स्नेक वाली पावर भी दे रखी है जो एक उसके हाथ में वो रहता है जो स्नेक बना रहता है राइट तो ये तीन लाइनें हैं देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स मतलब आप बुक पढ़ोगे तो उसका हर एक पावर का मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी कुछ ड्रॉ कर रहा है देर आर सम यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड देन फिर भाई एक बार तो फिगर कर लिया एक बार आप नॉस्टैल्जिया का अपना बाड़ तोड़ देते हो ना और फिर आप जाते हो देन यू सी कि देयर इज अ होल वर्ल्ड दैट यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड प्रसन्नजीत उस पे जो इंट्रिकेट डिटेल्स जो काम हुआ है ना उसको देख के लगता है कि व्हाई यू डिड दैट लास्ट व्हेन यू रीड दैट बुक राइट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये अगर करोगे ना तो दो तीन हफ्ते का काम है मतलब बेस मतलब वो उसके कॉस्ट्यूम नहीं है कॉस्ट्यूम के नाम पे सिर्फ वो जो पहनता है लेकिन उसको बनाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल सही है बहुत सही बनाए वो तो यही है मेरी होली काउ की लिटरली केम ब्यूटीफुल नाउ इट मेक्स सेंस कि आपने उसको लास्ट में क्यों बनाया बिकॉज़ यू हैड टू गैदर द लेवल ऑफ यू नो अटेंशन टू डिटेल सो बट इट केम गुड जॉब थैंक यू दुग्गल साहब बताओ अपना जर्नी मतलब इनडायरेक्टली तुम क्रेडिट लेना चाहते हो मुझे याद है मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इन्होंने शायद अपनी बच्ची के एक बच्ची की फोटो डाली थी व्हेन शी वाज एन इन्फेंट और अ टॉडलर बहुत छोटी सी थी मुझे बच्चों का बहुत शौक है मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं आई थिंक मैंने कहीं कमेंट किया था आपकी डॉटर का नाम शायद साची है नहीं कायरा है साची वाइफ का नाम है सॉरी कायरा उसकी शायद अपने बचपन की एकदम छोटी फोटो डाली हुई थी एंड शी वाज लुकिंग सुपर क्यूट और मैं हर बच्चे के एक बार मुझे याद है मैं जिनके भी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं वहां एक कमेंट डालता हूँ सर ये लड्डू आपका है शायद मैं उसमें भी लिखा था हाँ लाइक ये लड्डू मुझे मिलेगा बच्चों का बहुत शौक लाइक अभी पॉडकास्ट में उसने दो तीन बार वॉकिंग एंट्रेंस दिया है बैकग्राउंड में Yes. अच्छा, <ये सपेंसा। laughs> मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था अब आप बताइए आपका कैसे हुआ मतलब बेसिकली तो मिलन की उंगली करने पे लिया था क्योंकि बेसिकली वही उस समय डिस्कशन होता था कौन कौन सी नई कॉमिक्स है तो ये होता था राज कॉमिक्स पढ़ ली ये कॉमिक्स पढ़ ली लेकिन हाँ मिलन की उंगली करने पे बेसिकली आई स्टार्टेड विद तो मेरी पहली वॉज अघोरी और रावणयान दोनों मंगवाई थी साथ में बट अघोरी से स्टार्ट किया एंड मतलब मेरे को अघोरी इसलिए अच्छी लगी आई थिंक इट इफ आई मे बी रॉन्ग मतलब हो सकता है मेरे लिए हो बट इट वॉज फर्स्ट इंडियन कॉमिक जो पढ़ी विच डिडंट हैड द वो अपना पावर वाला सुपर हीरो जो ट्रेडिशनल सुपर हीरो वाला कल्चर नहीं था इट हैड अ कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन थी जिसको पढ़ने में मजा आया नॉट अ नॉर्मल एंड बेसिकली उसका जो अघोरी का वो जो हिज जर्नी जब वो अपना अघोरी बनता है एंड वो स्पिरिचुअल जर्नी पूरा गेन करता है राइट वो पार्ट मेरे को बहुत अच्छा मेसमराइजिंग लगा उसके बाद अघोरी देन शैतान सिंह तो अच्छी लगी ही थी दोज़ वर द रीजंस कि मेरे को मजा आया उसके बाद ओडी और कैस्टर तो लेकिन बट स्टिल फॉर मी अघोरी रिमेन्स योर बेस्ट आई थिंक मे बी वो रामवी की स्टोरी का भी वो जादू है एंड प्लस आर्ट वर्क एंड वो होता है ना जो पहली बार ऐसी किताब पढ़ो उसमें मजा आ जाता है
मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब अघोरी का अघोरी पर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ उसमें, आई थिंक यहाँ मेजर चीज पे कंक्लूड किया जा सकता है कि अघोरी सबकी ही फेवरेट रही है, और मुझे एक ही रीजन समझ में आता है, बिकॉज अघोरी इज अ वेरी फ्लॉड कैरेक्टर, और लाइफ उसे अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव वो देख रहा है, और आपको हर 10वें पेज पे एक ऐसी प्रॉब्लम फेस करता हुआ वो दिख रहा है जो शायद हम डेली बेसिस पे करते हैं। हम सब में अपनी अपनी कमियां हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे अपने खुद के इनर डीमंस हैं। आई थिंक एक सुपर हीरो तब सक्सेसफुल हो जाता है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है, जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं ऑन अ ह्यूमन लेवल। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपको याद होगा डैन जर्जेंस ने जब डेथ ऑफ सुपरमैन लिखा था, डेथ ऑफ सुपरमैन को एक्चुअली सुपरमैन को मारने के लिए नहीं लिखा गया था, वो उसमें मरा है, ठीक है। डेथ ऑफ सुपरमैन इसके लिए क्रिएट की गई थी बिकॉज मार्वल का पनिशर और वुल्वरीन के टाइटल्स, ठीक है, इतने ज्यादा बिक रहे थे कि उनके सामने सुपरमैन फेल हो रहा था, सुपरमैन की सेल्स वर फॉलिंग डाउन। टू रिवाइव दैट कैरेक्टर दे हैड टू किल हिम, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे फ्रैंक कैसल हो गया, आपका पनिशर हो गया, उसकी सेल सुपर करी थी सुपरमैन की सेल को, क्योंकि फाइनली एक ऐसा कैरेक्टर आया था जिसे लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। सुपरमैन गॉड लेवल कैरेक्टर, ही इज लाइक he's not flawed, इसीलिए उसे मारना पड़ा, तब कहीं जाके उस डेथ ऑफ विवेक भाई, इंटरनेशनल कॉमिक्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सबको बताना चाहता हूँ कि 2010-11 की बात है जब हम फैंटम कॉमिक्स पढ़ना शुरू किए थे, बीच में छूट गया था पढ़ना, लेकिन फैंटम की कॉमिक्स में ढूंढ रहा था और कुट पे, तो तब आपका कवर आर्ट मिला मुझे मूनस्टोन की इश्यू 1 पे, और तब तक मैंने किसी भी इंडियन आर्टिस्ट का आर्ट ना फैंटम कॉमिक्स पे नहीं देखा था। दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू, कि आपको वो मौका कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट द चांस टू वर्क ऑन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और आप उस पे उस कॉम्पिटिशन में शायद कुछ हुआ होगा कि आप जीते होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सिलेक्टेड योर आर्ट ऑन द कवर आर्ट। और दूसरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड कि उस कवर आर्ट की कलरिंग किसने की थी, तो दैट वाज लाइक समथिंग वे डिफरेंट एंड यूनिक देन द रेस्ट ऑफ द कवर्स ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। सो मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अब कॉमिक बुक पब्लिशर भी बन गए हैं, हिमांशु सिंगल को आप जानते होंगे रेडिएंट कॉमिक्स से। 2009 में मैंने फैंटम ड्रॉ किया था प्रोफेशनली, ठीक है। 2009 के टाइम पे आई वाज वर्किंग लेवल 10 कॉमिक्स, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसका सेकंड इशू कर रहा था। एक दिन आउट ऑफ ब्लू हिमांशु सिंगल का फोन आया, अरे विवेक भाई ये अपना एक क्या नाम है, आपको पता है फैंटम का लाइसेंस 2 साल के लिए मूनस्टोन बुक्स को मिला है। मैंने बोला अच्छा मिला होगा, बाय द वे मैं फैंटम का रीडर नहीं हूं, मैंने फैंटम कभी पढ़ी नहीं, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात सच है, आई एम नॉट अ फैंटम रीडर, नॉट अ फैंटम फैन। सो मैंने बोला अच्छा अच्छी बात है। तो उसने बोला कि उन लोगों ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है और उसकी जो एंट्री होगी, ठीक है, आपको फैंटम को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने का फ्रीडम है, आप कुछ भी दिखा सकते हो, फैंटम इन इज ग्लोरी। तो उसकी जो एंट्री होगी वो सिलेक्ट होगा और जो फर्स्ट प्राइज वाली एंट्री होगी इट विल बी पब्लिश्ड एज द कवर फॉर द रीलॉन्च इशू नंबर 1। मैंने बोला ठीक है यार, बोला आप करो, मैं बोला ठीक है करते हैं चलो, आई टुक इट एज अ चैलेंज और मैंने एंट्री अपनी करके भेज दी। और अपेरेंट और 20-25 दिन बाद मेरे मेल बॉक्स में एक मेल आता है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड, योर कवर हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉप मोस्ट एंट्री, इफ एवरीथिंग इज ओके विद यू वी वुड लाइक टू पब्लिश इट द मेन कवर फॉर इशू 1। मैंने बोला यार ये क्या हो गया, एकदम से कैसे हो गया ये सब। तो मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब मेरी एंट्री, तो मैंने बहुत कैजुअली बना के अच्छे से कलर करवा के उसको सेंड कर दिया था, उसके बाद मैं भूल गया था कि ये इसका क्या होने वाला है। अपेरेंटली जो मेरी एंट्री थी इट वन द फर्स्ट प्राइज, और फर्स्ट प्राइज के उसमें इट गॉट पब्लिश्ड एज कवर फॉर इशू 1 उसकी, और सेकंड हाँ उसके बाद ये हुआ कि एक दो बार इशू 8 पे भी आपका शायद आर्ट वर्क है, इशू 1 और इशू 8। जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी एक दो बार पब्लिशर से बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विवेक वुड यू लाइक टू ड्रॉ मोर कवर्स फॉर अस,
वाज लाइक सर नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल करूंगा. तो उन्होंने मुझे बोला विवेक अब तुम जो भी कवर करोगे वी विल पे यू ऑफिशियली फॉर दैट बिकॉज फर्स्ट कवर कॉम्पिटिशन एंट्री. मैंने बोला ठीक है सर आपने को क्या है बस बाहर होने का मौका मिल रहा है आप नहीं भी पे करोगे मैं आपको पैसा देता हूँ मुझे पब्लिश करो. उस समय ऐसी ऐसा हम लोग सोचते थे 2008 या 9 की बात है ठीक है कि पैसे को क्या करना है यार बिकॉज आपको एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर बनाने का मौका मिल रहा है जिससे आपका करियर को लीप मिल सकती है. तो मैंने बोला व्हाटएवर यू ऑफर इज ओके विद मी मनी इज नॉट द मैटर जस्ट लेट मी नो व्हाट द थीम ऑफ द बुक इज सो दैट आई कैन ड्रॉ अकॉर्डिंगली. मुझे अच्छी तरह याद है वो एडिटर ने मस्त ग्रिल किया था मेरे को. मुझे शायद मेरा पहला प्रोफेशनल कवर था वो उनको मेरे थंबनेल पसंद ही नहीं आ रहे थे. आप मानोगे नहीं मैंने 34 थंबनेल बना के दिए 34 और जो मेरी 34th थंबनेल था एडिटर ने मुझे बोला विवेक दिस इज वर्किंग इसको फाइनल करो. मैंने भी बोला मैं बोला साला मैं जब तक अप्रूव नहीं होएगा मैं 50-55-150 में बनाता रहूंगा. आई विल नॉट गिव अप. तो ये जो स्टार्टिंग से जो नॉट गिविंग अप वाली जो मेरी क्वालिटी रही है सिंस माय डेज ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम फाइन आर्ट्स इसने काफी मदद की है मेरे आगे बढ़ने में. इसी बहाने हमें इंडियन आर्टिस्ट तो देखने मिले ना फैंटम के कवर पे. जी थैंक यू. तो मुझे इशू 8 कर दिया गया और उसके बाद फिर एक और कवर की डील हुई उनके साथ जो फैंटम का नहीं. दे वर कमिंग अप विद अ कॉफी टेबल बुक वोल्ट्रॉन करके एक आईपी है काफी पुराना. इट्स जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स बट वोल्ट्रॉन में ह्यूमंस ऑपरेट करते हैं अनलाइक ट्रांसफॉर्मर्स जो सेंटिएंट बीइंग्स है. तो एक वोल्ट्रॉन की कॉफी टेबल बुक का भी कवर का मुझे आया था वो भी मैंने करके दिया था. रही बात कलर आर्टिस्ट की तो ये तीनों दो फैंटम के कवर्स और वोल्ट्रॉन कॉफी टेबल बुक का कवर शशांक मिश्रा करके कलर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफी काम किया अभिषेक मलसूनी के साथ. तो शशांक ने ये सारे कवर्स मेरे साथ कलर किए थे उन्होंने मेरे आगे काम किया. तो अब वो गेमिंग में है कॉमिक्स उन्होंने काफी टाइम हो गया छोड़ दिया. आई थिंक मुझे लगता है कि आर्ट बहुत बेहतर इसके लिए निकल के आ पाया बिकॉज शशांक ने बहुत बेहतरीन काम किया था अदरवाइज टाइम मेरी पेंसिल्स तो बहुत कच्ची हुआ करती थी. So, Vivek, और भाई, just pulling you back, अघोरी पे मेरा question थोड़ा side track हो गया था. तो coming back to अघोरी, right? मतलब जहाँ पे वो उसकी पूरी spiritual journey and वो वाला पूरा concept, वो किसका brainchild था? रामवी का था, आपका था? How did me? Because I found it unique. मैंने और किसी भी Indian, मतलब especially Indian story में मतलब nobody has ever tried to go into deep, in that deep. तो वो concept कहाँ से आया? रामवी, it was all रामवी. There's no doubt in that. मुंबई 2012 मुंबई कॉमिक कॉन में राम भी मुझे घूमते घूमते मिले थे. ही वाज जस्ट चेकिंग आउट सम पब्लिशर्स. ही वाज जस्ट बैक फ्रॉम फिलाडेल्फिया गिव अप हिज इंजीनियरिंग जॉब एंड ही वाज लुकिंग आउट टू गेट पब्लिश विद सम पीपल. ही वांटेड टू बिकम अ राइटर बेसिकली वेरी अर्ली स्टेज ऑफ राम भी एकदम कच्चा राम भी आपको जो है रॉ मटीरियल. सो ही अप्रोच्ड मी और उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मेरी देखी पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा. फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि विवेक दिस कैरेक्टर एंड दिस स्टोरी इन माइंड वुड यू लाइक टू हैव अ मीटिंग ओवर दैट. मैं बोला कौन खत्म होने दो लेट्स मीट अप ऑन अ यू नो ऑन कॉफी एंड लेट्स डिस्कस दिस. अपेरेंटली उसी टाइम पर रामायण खत्म हो रही थी और रामायण खत्म होने के बाद मुझे और माइथोलॉजिकल बुक्स पब्लिश नहीं करनी थी बिकॉज मैंने नोटिस किया कि यार मैंने और 2-4 साल माइथोलॉजी पब्लिश की जो कि बहुत ईजी है कर लेना उसको थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डाल के. मैं टैग कर लिया जाऊंगा एज अ पब्लिशर हु ओनली वर्क्स इन माइथोलॉजी. इट्स टाइम इट वाज टाइम फॉर होली काउ टू क्रिएट देयर ओन आईपीस ओरिजिनल आईपीस. हम ऑलरेडी हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में कर ही रहे थे. इनफैक्ट उस समय मैं देश डेवलप कर रहा था. लास्ट असुरान पे मैं काम कर रहा था. लास्ट असुरान बहुत पहले 2012 में डेवलप हो चुका था. वो अलग बात है कि उस पर काम अभी हाल फिलहाल 2019 से शुरू हुआ था. आई मेट विद राम भी वो अभी ने पूरा 8 इशू का इतना मोटा डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ था. उन्होंने छोटा मोटी मेरे को 8 इशूज यानी कंप्लीट अघोरी ओरिजिन पूरा उन्होंने सुनाया. मैंने बोला यार ये तो प्रिपेयर्ड है पूरा चट्टी बने यूनिफॉर्म पहन के एकदम आया यार ठीक है राम इसको करते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो उसमें ये था कि मैंने उसको बोला कि आई जस्ट वोंट बी यू नो ऑन बोर्ड एज अ पब्लिशर. I want to be on board as an artist and the character developer as well. Because मैं मेरा जो talent है वो भी use करके इस character को बनाना चाहता हूँ. Because राम के पास story थी, picture नहीं थी. मैंने अघोरी का character development किया, उसका character explorations पे काम किया, जितने भी आप characters देख रहे हो सारे बनाए. तो हमारा
एग्रीमेंट कुछ ऐसा हुआ कि हमने दोनों ने को ओनरशिप ली. अघोरी इज 50% राम्स, ऐसा है. तो उन्होंने स्टोरी दी, मैंने सबको शक्ल दी इस तरह से. और फिर ये हो गया कि मैं काफी दूसरी चीज लेने लग गया, दूसरे और प्रोजेक्ट्स पे काम चला था. बिकॉज आप अगर आज एक बुक रिलीज होते देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक या दो महीने पहले बनी है या तीन महीने पहले कंसीव की गई है. इट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो पांच साल पहले कंसीव कर ली गई हो और उस पर स्लोली स्टेडीली जैसे बिरयानी को दम लगाया जाता है ना, उसे दम लग रहा है. और वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द आर्टिस्ट टू कंप्लीट द होल थिंग सो दैट पब्लिकेशन हिस्ट्री में गैप्स नहीं आए उसके. ठीक है, तो वो हिसाब से मुझे एक रेगुलर आर्टिस्ट चाहिए. एंटर गौरव श्रीवास्तव. इनफैक्ट एक वो टाइम आ गया था कि मैं गौरव से मिला नहीं था और हम, मैं और राम आर्टिस्ट ढूंढ के थक गए थे. वी वर ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग सुशांत पंडा, जो राज कॉमिक्स में काम करते हैं, वो फिक्शन कॉमिक्स वाले. ओके, वी वर फाइनलाइजिंग सुशांत पंडा एज द मेन आर्टिस्ट फॉर, ठीक है, अघोरी. इट्स जस्ट दैट कि उनका थोड़ा सा इशू था इंग्लिश में. राम भी इंग्लिश में लिखते थे और उन्होंने बोला मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप इसको मेरे को ट्रांसलेट करा के दे दो तो मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा. मैंने एक ट्रांसलेटर का भी जुगाड़ कर लिया था. वो ट्रांसलेटर ने कुछ वक्त ले लिया और उसी दौरान गौरव श्रीवास्तव से मुलाकात हुई और समा कुछ ऐसा बना कि फिर गौरव ऑन बोर्ड आ गए. और उसमें अघोरी में क्योंकि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना था, सारे कवर्स मैंने किए. और मैंने राम को बोला था यार, बिकॉज वो स्टार्टिंग के आर्ट इशू में अघोरी ओरिजिन्स में हर इशू में एक तीन तीन पेज का क्रिया वाला सीक्वेंस. इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल अघोरी यू नीड 12 डिफरेंट क्रियास के साथ बैठ के वाराणसी में डिस्कवर किया था. उस आदमी की रिसर्च बहुत सॉलिड थी. मैंने बोला वो क्रियाओं के पेजेस जो हैं वो मैं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझे अपनी हर में उंगली रखनी होती है. या और बना रहा हूँ, या मैं इंक कर रहा हूँ, या मैं कोई स्पेशल डिफरेंस कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा काम आपको बताओ कि हर एक बुक वो एक उंगली जरूर दिखेगी आपको. तो मैंने राम को बोला यार वो क्रिया वाले पेजेस ना मैं कर दूँ, लेट गौरव डू द मेन एंड द बिग स्टोरी. तो इस तरीके से बिग भाई आप सुभाष भाई एडिटर की तरह मतलब हर कॉमिक्स में अपना छाप छोड़ ही देते हो. जरूरी हो जाता है ना यार, एक पर्सनल टच बहुत जरूरी होता है. प्लस फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है कि यार हर किताब में मेरा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है. आई एम जस्ट नॉट अ बिजनेसमैन विद अ फैट चेक बुक फाइनेंसिंग एवरीथिंग. क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है. लेकिन फिर भी कर रहा विवेक मेरा next a question hai, and it's going to be a bit controversial, so if you want means you can, we can edit this out if you don't like to answer. So we hear this, you know, matches are made in heaven, right? And Holy Cow and Yali was such kind of a match, means let's say their collaboration jo bhi products aa rahe the, it was amazing, be it quality, be it story wise, art wise, it was perfect. And then suddenly that match broke off, and I broke off would be a lighter term. It was very bad. You know, we all know in social media what went, what not. There was one cover of Codename Alpha which was drawn by you. We all know how it was sold and everything. We would like to know, means, aisa kya hua, means it was a very bad thing in the social media and to respect publishing house which came. So would you like to elaborate, means, what went wrong, just from the your perspective? Sure. ज़्यादा डीप में जाके नहीं, थोड़ा ऊपर से मैं आपको बताता हूँ. सो द थिंग इज दैट व्हेन दे केम टू मी, ओके, दे द ओनर स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स शामिक दास गुप्ता. तो दोनों का जेलिंग नहीं हो पा रहा था. ठीक है, शामिक वाज़ द ओनली पर्सन हैंडलिंग हिज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थिंग हियर इन इंडिया. सो और मेरा तब तक उसके साथ वर्किंग रेपो बहुत अच्छा था. In fact, I used to outsource a lot of artwork for his books from my artists. Since 2014, those are kabhi kuch cover color karwa raha hun, because mere paas hamesha artists exclusive rahe hain. Theek hai, itna kaam raha hai, is tarah ke arrangement maine kiye hain ki artists ko rok ke rakhta hun main apne paas khushi se, unko koi problem bhi nahi hai.
तो कभी कभार क्या होता है, काम ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे होलिकाओं से भी इतने प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट आपका एक्सक्लूसिव है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मंथली एक्सपेंडिचर. तो मैं बाहर से काम लिया करता था, जैसे अगर आपको याद हो तो स्वामी भक्त रखवाले करके एक डोगा की किताब आई थी जिसमें गौरव और प्रसाद का काम था, वो एक आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट था. तो इनफैक्ट होलिकाओं ने चैरियट कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, याली और आपका जो स्पीच बबल था जिन्होंने टीएनटी निकाली थी, टीएनटी की पूरी लेटरिंग और कलरिंग होलिकाओं से होकर ही गई थी. हम हर कंपनी के लिए आउटसोर्स करते थे बिकॉज मैंने अच्छे से बंदों को संभाल के रखा था कंपनी में जो लॉयल थे मेरे प्रति. तो आउटसोर्सिंग की रिलेशन मेरी उसके ओनर के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी. एंड ही वाज लाइक, यार आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद यू नो माय लोकल गाय, सो विवेक वाई डोंट बिकम द पब्लिशर ऑफ याली. आई वाज लाइक, मैं थोड़ा घबराया बिकॉज मेरे लिए एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ. फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब क्या बताऊं मैं, हेट्रेड वहीं ज्यादा होता है जहां बहुत टाइम पे प्यार हुआ, प्यार होता है. बैड ब्रेकअप्स वही होते हैं जब दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्यार होता है. जितना गहरा प्यार उतनी गहरी नफरत. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, अब वो आपके ऊपर है कि आप उस नफरत को चुपचाप अपने अंदर रखते हो. आप उसको, परिवार का कलेश बाहर नहीं आना चाहिए. हर आदमी कंटेन नहीं कर पाता. इसको मैं कंटेन कर गया, लेकिन वो इतना वो हो गया कि उसने सब पूरा फैला दिया बाहर. आई वाज लाइक, ठीक है तेरे को तसल्ली हो तो कर ले. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनकी किताबों की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई जब होलिकाओं के अंडर आया, बिकॉज सारी चीजें मैं देखने लगा, हर किताब की प्रिंटिंग मैं करवाने लगा. इनफैक्ट मुझे याद है कि कितनी किताबों के पेजेस बाहर आ रहे थे जो होलिकाओं में आने के बाद जब रीप्रिंट हुई, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई. ओके, और बट आई थिंक मैं, आई वाज द पब्लिशर ऑफ याली फॉर 2 years, एंड एट द एंड ऑफ माय टेन्योर समहाउ दैट मैन स्टार्टेड बिलीविंग कि आई एम चीटिंग हिम ऑफ मनी. ओके, कुछ और रहा है, रख मैं कुछ और रहा हूं तेरा शेयर. ऑब्वियसली आई हैड अ शेयर इन द सेल ऑफ द बुक ना, बिकॉज आई वाज द डिस्ट्रीब्यूटर, इट वाज माय टाइम व्हिच आई वाज गिविंग हिम. तो मेरा अपना एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड शेयर था कि पर कॉपी में इतना रखूंगा जो भी है, और बाकी आपको हर मंथ में एक्सेल शीट में आपको हिसाब भेजा करूंगा. तो मैं भेजता था. Somehow यार उसके मन में ऐसा शक आता गया कि आई एम ईटिंग अप मनी इन बिटवीन. मैं उतना शो नहीं कर रहा हूँ जितना सेल हो रही है. ठीक है, और आपको तो पता है यार, यहाँ आपका किसी से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो या ना हो, कोई मतलब हो या नहीं हो, ठीक है, देर आर सम पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न. याली से कोई फायदा नहीं है, होलिकाओं से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि ये दो जायंट्स एक साथ में आ गए हैं, दे आर बिल्डिंग समथिंग बिग, दे वांट देम टू क्रैश. तो क्या पता उसका प्लान भरा या जो भी भरा, इट स्टार्टेड बिकमिंग वेरी नास्टी धीरे धीरे. देन केम अ पॉइंट, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, लेट्स सेव द रिलेशनशिप. मेरे को लग रहा है एक डेढ़ महीने में और बात बहुत खराब हो जाने वाली है. आई कांट बी योर पब्लिशर एनी मोर. ठीक है, बट मैं इमीडिएटली जॉब अपना नहीं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, टिल द पॉइंट यू डोंट फाइंड एनीवन एल्स, आई विल कीप ऑन डूइंग इट. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तब तक मैं अकाउंट पूरा क्लियर रखता हूँ जैसा भी है. तो बस उसके बाद लास्ट में ऐसा हो गया, उसके अंदर का कोई ज्वालामुखी फट गया एकदम, और मतलब वो उसके पानी सर के ऊपर था कि यार ये पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है, ये है वो है, और कितना खा रहा है, इज नॉट शोइंग. यार आप आधी दुनिया दूर रहते हो, मैं आपको कहाँ तक प्रूफ दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है. आपने अगर डिसाइड किया है कि आप हाफ द वर्ल्ड अवे रह के दुनिया के दूसरे कोने में एक कंपनी चला रहे हो, आपको कुछ परसेंट ब्लाइंड फेथ तो रखना ही होता है ना. नहीं तो आओ और चेक कर लो. लेकिन आपको पता है वो जाके चेक कर सकते, लेकिन कोई तो आपके काम भरा है और कोई तो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. मुझे डेली जवाब देने पड़ते थे. अभी तो समझने वाली बात है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, आई वॉज एक्चुअली हेल्पिंग दिस गाय. मेरा पैसा कमाने का अलग धंधा है, कमरा उससे. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट. आई वाज हेल्पिंग यू आउट बिकॉज़ देयर वाज नो वन टू हेल्प यू आउट. ओके, लेकिन उसमें जब मेरे को डेली आई एम बीइंग आंसरेबल टू थिंग्स, आई एम आंसरेबल बट जस्ट अ लिटिल बिट. ठीक है, बिकॉज आपको ये भी समझना पड़ता है कि मैं एक पब्लिशर भी हूँ, मेरी अपनी भी ईगो है. अगर मैं रोज आपको आंसरेबल होऊंगा, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई वाज डूइंग अ जॉब, और मैं जॉब में कभी कंफर्टेबल रहा नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन. तो वो फिर खराब होते 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 फिर मैंने फाइनल हिसाब जो भेजा वो उनके हिसाब से ठीक नहीं था. एंड ही थॉट दैट आई हैव यू नो दबाव फाइट सम मनी एंड स्टफ लाइक दैट.
एंड आई वाज लाइक जो है तुम्हारे सामने है देयर इज नो अदर मनी कमिंग इन. अगर मैं ब्लैक में तुम्हारी किताबें कहीं बेच रहा हूँ जो तुम एक्यूज कर रहे हो तो कोई प्रूफ तो होगा कि पहले कोई बेचा होगा ना इंडिपेंडेंटली. तो एक एक किताब लोग जाके बेच नहीं रहा हूँ. कोई प्रूफ होगा, कोई बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा कि मैंने इतने परसेंटेज पे इतनी उसे क्लेम डाला था वहां पे कि विवेक गोयल इज सेलिंग याली बुक्स फॉर 45% टू सम डिस्ट्रीब्यूटर्स, डोंट सपोर्ट हिम, डोंट बाय आवर बुक्स फ्रॉम विवेक गोयल. तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कोई प्रूफ तो होगा, कोई बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा, कुछ तो दिखाओ. बट वो कुछ था ही नहीं. इसके मतलब कि आपके कान भरे गए हैं और आपने बिलीव कर लिया. देन ऑन वन फाइन डे मेरे को एक मेल आया कि रविराज आहूजा हमारा आगे काम संभालेंगे, प्लीज हैंड ओवर ऑल द बुक्स टू हिम. आई वाज लाइक ठीक है, आई हैंड ओवर ऑल द बुक्स टू हिम. जो आपका मेरा हिसाब बनता वो आप क्लियर कर दो, बिकॉज़ आई इन्वेस्टेड इन द पेइंग ऑफ कोडनेम. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स में बुक का नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जब जाहिर बात है. कोडनेम अल्फा में मेरी कैसे लगी थी, आई इन्वेस्टेड माई ओन मनी. मैंने बोला आप वो पैसा मुझे क्लियर कर दो एंड आई विल सेंड ओवर ऑल द including the code name alpha hindi and english edition to ravi. so bas wohi ego ki cheeta kashi ho gayi, pehle tum bhejo. maine bola nahi, pehle tum paisa transfer karo, pehle tum bhejo. bharose ka wo ho gaya ki matlab wo ho gaya and I was like yaar paise to clear karo, main books bhej dunga because na main us pe trust kar sakta hu na wo us pe trust kar sakta hai. to yahi cheez mein fir he got irritated and he started doing everything that you all saw on the social media. aur kisi bhi cheez ka aaj tak koi proof nahi nikla hai, किसी भी एक्विजिशन का कोई प्रूफ नहीं निकला है. आई वॉज रियली हर्ट व्हेन ही यूज्ड, जब उसने मेरा वेरिएंट कवर विवेक गोयल 420 करके यू नो ही स्टार्टेड सेलिंग इट, आई गॉट वेरी हर्ट बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट सपोज टू हैपन. आप देख रहे हैं ऐसे मार्केट में लोग भाइयों के घर के गणेश सब निकल कर आ रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका जितना भी प्रॉब्लम है, मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, आपस में अंदर सॉल्व करो. अगर आपको अपना मजाक बनवाना है तब इसको सोशल मीडिया पे लेके जाओ. इसीलिए जब उसने ये सब करना स्टार्ट किया, आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक. काफी लंबे टाइम तक मैं साइलेंट रहा. कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको जितना करना है कर लो. मे बी यू आर आस्किंग मी टू एंगेज, यू वांट दैट प्लेजर, आई वांट दैट प्लेजर. विवेक एक क्वेश्चन है, सिंस सोशल मीडिया केम अप राइट, आई हैव दैट एक पर्सपेक्टिव है इंडियन कॉमिक्स जो ग्रुप्स हैं सब जगह है, मतलब that Vivek Goyal is little arrogant. उनका जवाब बहुत rudely जवाब देते हैं and there is a perspective. I have also mentioned to you several times, right? So why is that coming on? Because on interaction you are quite knowledgeable or you, there are some good books coming up, right? So does it, don't you think कि एक holy cow को एक थोड़ा सा perspective भी change करना चाहिए अपना, right? I was like that पहले. ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग इट बिकॉज सोशल मीडिया है, एज यू सेड, लोगों ने पढ़ा है, लोगों के दिमाग में अपने अपने व्यूज हैं, वो जो भी है. आई एम एक्सेप्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ लिटिल एरोगेंट. मैं था वैसा, थोड़ा सा खून में गर्मी थी, हल्का सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. एंड लेटर ऑन लाइक अराउंड 2018 और 19 के आसपास जब दुनिया बदल रही थी, I realized ki, you know, maybe I should change myself, maybe I should work on myself. इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना है, छोटे छोटे पेटी क्वारल्स में नहीं पड़ना है और थोड़ा सा अपने टोन को अपने उसको थोड़ा टेम करना है. सो या यू आर राइट, आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज रॉन्ग. एंड 2018-19 मैं बहुत चेंज किया है उन चीजों को, बेसिक डिमीनर को. आई बिकम मोर फ्रेंडली. So that's the only thing. And best part is you are able to take the jokes. I think Dalmot mein bhi you said right ki kafi fun udate log idhar udhar, but it's up to you right how you take it. Like log troll karenge, but agar you started replying to trolls then wo aapka alag mental energy waste hota hai, right? मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत अच्छे से, अपने आप को मकर पब्लिशर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा अपना मजाक क्या होगा. और लाइट हार्टेड चीज है, इससे जुड़े हुए लोगों में लाइट हार्टेडनेस आनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो डे वन से हो. मैं बहुत अलग इंसान था, अब मैं बहुत अलग हूँ. इवेंचुअली आपका गोल क्या है, आप धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाने पड़ते हैं टूवर्ड्स द बेटर ऑफ what you are producing, because वही आपकी इमेज बनाता है.
अच्छा ये मतलब अमित रैप अप करें या उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने सब कुछ पूछ लिया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या थे। अब कैन वी अकोमोडेट दैट क्वेश्चन? दो तीन सवाल जो मैंने बाकी ग्रुप से भी लिए हैं, बट या यू कैन आंसर दिस वन अपकमिंग बुक्स या देन वी कैन गो टू दोस क्विक क्वेश्चंस। सो द थिंग इज दैट इट टुक सम टाइम टू रीस्ट्रक्चराइज अ कंपनी, बिकॉज़ इससे पहले ऐसा हो रहा था कि कभी-कभार कोई सीरीज 7 बुक्स का है, कोई सीरीज 4 बुक्स का है, कभी हम लोग 32 पेज की बुक रिलीज कर रहे हैं, कभी 48 पेज की बुक रिलीज कर रहे हैं, कभी 100 पेज की रिलीज कर रहे हैं, तो कभी 16 पेज की। मैंने 16 पेज की किताबें भी निकाली हैं जो आज देखता हूं तो बुकलेट या पैम्पलेट जैसी लगती है, बट वो समय, बट ये सब एक लिमिटेड दिमाग के डिसीजन होते हैं जो समय के साथ एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहा है। आज 13 साल बाद पहुंचा हूँ कि हर एक आपका जो काम है वो स्टैटिक होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे अब हमने डिसाइड किया है कि हर एक बुक 48 पेज का कंटेंट लेके निकलेगी, एवरी बुक विल बी 48 पेजेस थिकर, बिकॉज आई थिंक 32 पेजेस टू लेस, 100 इज टू मच फॉर मी पर्सनली, ठीक है, बिकॉज 32 पेज इज टू लेस फॉर द रीडर्स, 100 और 80 pages is too much for me as a publisher to invest my money because 100 is almost a trade paperback, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 124 pages की तो Marvel और DC के 5 issue के TPBs होते हैं, ठीक है, वो तो standard format है। तो और मैंने ये realize किया कि यार हमने दो दो महीने के gap में भी series release की है, और there have been instances जैसे Caster का आपने बताया था, issue 6 और issue 7 के बीच में 2.5 साल का gap है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स द जॉय ऑफ द रीडर टू रीड अ बुक एंड टू द एंड टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर। तो इनफैक्ट ये जो होलिका इनिशिएटिव जो अगले महीने से किक स्टार्ट होने वाला है, ये 2.5 साल पहले कंसीव किया गया था, 2 साल से हम पूरी टीम इस पे लगे हुए काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं, अब से हर किताब 48 पेज की आएगी ताकि इसकी प्राइसिंग स्टैटिक रख पाए, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस हिंदी और इंग्लिश रिलीज होंगे ताकि हिंदी रीडर्स को 2-2, 3-3 साल बैठना ना पड़े, इंतजार ना करना पड़े सीरीज के लिए, उसी कॉमिक को इंग्लिश रीडर भी एंजॉय कर रहा है, हिंदी रीडर भी एंजॉय कर रहा है एट द सेम टाइम। प्री ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, बिकॉज प्री ऑर्डर आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड और सही बताऊं तो आज की तारीख में यार प्री ऑर्डर आप कोई भी बुक का लगाते हो ना, अगर आप RC नहीं हो, अगर आप राज कॉमिक्स नहीं हो, तो आपको 40-50 बुक के प्री ऑर्डर आते हैं, एंड दैट इज नथिंग, वो कुछ नहीं है उस पे, उस किताबों के प्री ऑर्डर में लेटरर का खर्चा नहीं चलता है बॉस। तो रिलीज होगी, कवर रिवील होगा, परचेज लिंक होगा Amazon का, holika.in का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बैक टू बैक मंथली बेसिस पे खत्म होगा। अभी देखिए हमारा असुरान का वॉल्यूम 3 पे काम चल रहा है, वो वेपन्स ऑफ मास एक्सटेंशन जो बिजॉय रविंद्रन लिखा है, जिन्होंने CA ने लिखी है, आपको पता है 6 पार्ट की सीरीज, पहले ट्रिलॉजी थी, 150 पेज की ट्रिलॉजी थी, हमने बाद में डिसाइड किया कि भैया 150 पेज बनाने में ऐसी दही हो जाती है और मेरा इन्वेस्टमेंट लाखों में हो जाता है, लेट्स ब्रेक दोस 3 पार्ट्स ऑफ 150, 6 पार्ट्स कंटेनिंग 75 पेजेस ईच, तो अब प्रॉपर 75-80 पेज के 6 पार्ट हो गए हैं इसके। अच्छा। खाली वो असुरान का वॉल्यूम 3 ही ऐसी है जो 80-80 पेज की होने वाली है, बाकी सब 48 पेजेस की। इस समय गौरव श्रीवास्तव 3rd इशू ड्रॉ कर रहे हैं, तीसरे इशू पर है, 150 पेजेस बने रखे हैं मेरे पास, पहली 2 बुक्स रेडी हैं, कलर रेडी हैं, लेकिन उनको रिलीज तब करूंगा जब गौरव 4th इशू पर होंगे, क्योंकि जब वो 4th इशू पर होंगे और मैं पहला इशू रिलीज करूंगा, देन आई कैन मेक श्योर कि हर एक इशू के बीच में 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो और रीडर कनेक्टेड रहे। रीडर के लिए एक बेन हो जाता है, एक शाप हो जाता है बार बार उसी सीरीज को पढ़ना, बिकॉज आपके जो गैप्स हैं हर एक पार्ट के वो बहुत लंबे होते जाते हैं, मतलब कितना त्रास वाला काम है, बिकॉज एज ए रीडर मैं भी यही देखता हूँ, कितनी इंडियन कॉमिक्स हैं जिनके बीच में 5-5, 6-6 महीने के गैप होते हैं, स्टोरी आप भूल जाते हैं। करो कि अभी देखो ऑल न्यू होलिका अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑल न्यू होलिका अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने पिछले 6 महीने में एक भी बुक रिलीज नहीं की है, एक भी बुक रिलीज नहीं करी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए नहीं करी बिकॉज कॉमिक ऑन सीरीज
फ्यूचर था, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो किताबें निकाली उनको बेचो तो यार कम से कम, कि खाली बस निकाले जा रहे हो। तो कॉमिक कॉन के सीजन में हम बैक टू बैक हर महीने इवेंट कर रहे थे, मैंने सोचा यार किताबें निकले कैपिटल भी आए, वो कैपिटल हर महीने प्रोडक्शन में जा रहा है, किताब भले प्रिंट नहीं हो रही लेकिन बन रही है, हजारों हजारों की बिलिंग हो रही है हर महीने। लेकिन जब ये किताबें निकलनी शुरू होंगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं दहक से स्टार्ट करेंगे अगले महीने, दहक की लेटरिंग हो चुकी है, बुक प्रिंट रेडी पड़ी है, स्कल रोजरी हिंदी एडिशन में मैं ला रहा हूं अभी, कलर्ड हिंदी जो मई में आएगी, ठीक है, उसकी कलरिंग पूरी हो चुकी है, उसकी लेटरिंग चल रही है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट दो पार्ट का विजिलांटे सीरीज है कॉल्ड एज ब्लड हैमर। ब्लड हैमर के सेकंड पार्ट के सिर्फ 10 पेज बचे हैं, बाकी पूरा आर्टवर्क कंप्लीटेड है। तो प्लानिंग इस हिसाब से की गई है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना लगातार किताबें आएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन को उतना समय दिया, और सितंबर के बाद से कॉमिक कॉन स्टार्ट होते हैं, 6 महीना किताब निकालो, 6 महीना बेचो बेचो। गुड स्ट्रेटजी। सो विवेक भाई, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं बिफोर आई हैंड ओवर इट टू जीत भाई फॉर अ सरप्राइज। तो पहला क्वेश्चन, आई पोस्टेड इन अनदर ग्रुप, अरिंदम सेन को तो आप जानते ही होंगे, ही आल्सो विजिट्स कॉमिक कॉन ऑलमोस्ट सारे, उसी का क्वेश्चन था कि आप डीसी में कैसे काम मिला, मतलब आपको मिला है पहले तो मेरे को वो जानना है, और कितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट अभी तक आप इंक कर चुके हो, ऐसा कुछ है क्या? मुझे डीसी में कोई काम नहीं मिला, नहीं, आई एम नॉट वर्किंग फॉर डीसी, बट हाउ डू वन आई जस्ट गॉट अ कवर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन रॉब लाइफिल्ड। अच्छा, वन थिंग आई हैव ऑलरेडी एडिट, हां जी, आई विल हैव टू लीव, सो बाय गाइस, मेरे को थोड़ा, बट श्योर, थैंक यू जॉय, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। I think he is moreover asking ki I got a cover of exports drawn by Rob Liefeld, it features Cable and Deadpool, okay. Achha. I've already inked it and submitted it, however there is no guarantee that if it will see the light of the day, so wo publish hoga ya nahi wo mujhe nahi pata, cover is guaranteed tha, theek hai, they liked my inking, Liefeld had drawn a cover, they gave me that cover ki देखो आप करके देखो कैसा चलता है, और अभी मुझे तक फीडबैक नहीं मिला है कि दे आर यूजिंग इट और नॉट, बट मैंने अपना फुल पोटेंशियल लगा के उसको इंक करके दे दिया। डीसी आई एम नॉट ओके इन डीसी, आई थिंक उसका क्वेश्चन मोर ओवर ऐसा था कि अगर डीसी में किसी को काम करना है तो यू नो लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, और ऐसा कुछ आइडिया है आपको डीसी मार्वल वगैरह के लिए? प्रोसेस बहुत सिंपल है जो कि यूनिवर्सल है। आपको नेटवर्किंग करनी होती है ब्रो, you need to establish good connections with writers and editors. Writers और editors होते हैं, वो आपको काम लाके देते हैं, एक ये रास्ता है, ठीक है, या तो आप writers और editors को काम submit करते रहो और कुछ ऐसा exceptional बनाओ कि उनकी नजर में आए, because trust me when I say that, उनको रोज के 100 submission आते हैं और उसमें एक आपका भी होता है, अगर आपका exceptional नहीं होगा तो आधे से ज्यादा मेल तो वो चेक भी नहीं करेंगे, ये तो चांस की बात होती है। दूसरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसको आज की तारीख में काफी इंडियन आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे साउथ एशियन इंडोनेशियन आर्टिस्ट और ब्राजीलियन आर्टिस्ट भी यूज कर रहे हैं, इज टू हैव एन एजेंट। ओके, आप एक एजेंट है, बहुत सारे आर्ट एजेंट होते हैं जिनके बहुत सारे राइटर्स और एडिटर्स के साथ अच्छे रैपो होते हैं, और वो उनको बोल के रखते हैं कि यार कोई अच्छा टैलेंट हो ना तो मुझे बताना यार मेरे को, या फिल इन बुक्स के लिए तो कोई रेगुलर आर्टिस्ट कर रहा है एंड मे बी ही इज फॉलिंग बिहाइंड शेड्यूल, या उसको एक महीने का ब्रेक चाहिए, तो आप एक गेस्ट आर्टिस्ट को ले आओ, देयर आर एजेंट्स जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आई गेस आपका जो पर पेज रेट होता है उसमें कुछ उनका एक 15-20% कट होता है, वो उतना लेते हैं, बट दे मेक श्योर दैट यू कीप ऑन गेटिंग वर्क, बट उसमें आपको वर्क का चॉइस नहीं होता है, जो आ रहा है वो आपको करना होगा, नहीं करना है देन चद्दर उठ, यही दो तरीके आई थिंक। एक और एक तो एक और सवाल है, आई थिंक जो हर कोई आजकल बात कर रहा है इसके ऊपर, मे बी यू कैन कीप इट शॉर्ट बिकॉज इसके ऊपर अलग से भी पॉडकास्ट कर सकते हैं हम लोग फ्यूचर में मे बी, इंडियन पब्लिशर प्रमोटिंग एआई और यूजिंग एआई इन कॉमिक्स, सो दैट्स आई थिंक कंट्रोवर्शियल टॉपिक नाउडेज। आई हेट पीपल विद माय गट्स
जो ये बोल के एआई यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज एक हमारे राइटर महाशय हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनको ऐसा लगता है, मतलब वो कई दफा ऐसा कहते हैं यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो आर्टिस्ट ढूंढने में इतना मुश्किल है, तो अगर आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है तो एआई यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं चोरी करूंगा जाके, आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो आप, बिकॉज यार मतलब मैं इसको कैसे समझाऊं, ठीक है, बीइंग एन आर्टिस्ट एआई श्राप है हमारे जैसे लोगों के पेट पे लात है। चलो मेरे पेट पे लात नहीं है क्योंकि मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं। आपको पता है जिम ली और स्टैनली आर्जम लाओ, ये दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका इतना रेड पीटी गई है एआई प्रॉम्प्ट में, स्टैनली लाओ जैसा काम चाहिए, जिम ली जैसा काम चाहिए, और एआई एक श्राप है। जितने लोगों को एनकरेजमेंट मिला इंडिया में, ठीक है, वो बर्बाद करेंगे मार्केट को, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अरे इट्स जस्ट अ कवर यार, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टार्ट ऐसे ही होता है, एक मर्डर से ही होता है, एक मर्डर के बाद आपका हाथ कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप बेशरम होने लगते हो और बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं होती। अमेरिकन कॉमिक्स में अलग इन लोगों ने क्या किया है, अगर आप गलती से एआई यूज करते हो अपने पोर्टफोलियो ऑप्शन में, द ब्लडी इट विल फकिंग मेक श्योर, आई एम सॉरी टू यूज दैट बिकॉज मेरे को गुस्सा आता है जब मैं एआई का नाम सुनता हूं, ठीक है, द ब्लडी एडिटर विल मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो रिजेक्ट हुआ ही हुआ है, वो अपने सारे कॉन्टैक्ट यूज करेगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कभी जिंदगी में काम ना मिले। इंडिया में एआई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट जो लोग करते हैं, मैंने बहुत ग्रुप्स में कमेंट्स देखे हैं, अगर एआई से आर्ट अच्छा मिल रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम बुक खरीदने को तैयार हैं। गलत कर रहे हो आप सपोर्ट कर रहे हो उसको, यू शुड कॉल आउट दोस पीपल ताकि उनकी फटे कल को एआई में कुछ डालते हुए। मैंने लिटरली, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैंने 2-3 पब्लिशर्स को बिंदास एआई यूज करते हुए देखा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, आई थिंक फैंस आल्सो अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है, फैंस आल्सो अंडरस्टैंड ऑन दिस, एंड वो भी अपना, आई थिंक कहीं पे भी अगर ऐसा दिखता है तो फैंस भी बहुत खुल के उसको एक्सपोज करते हैं कि भाई ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं। एआई आर्टिस्ट बोलते हो, यू आर अ एआई थीफ बिकॉज़ एआई कैन नॉट क्रिएट आर्ट, पीरियड, राइट। आपने किसी ने किसी का तो आर्ट वर्क अमलगमेट करवा के उसको प्रॉम्प्ट के जरिए निकलवाया है, दैट इज How is that original? How is your design original? यहाँ पे US California में किसी ने डाला हुआ है ना, वो केस अभी भी चल रहा है जिसके अंदर की they have the same concern, लेकिन यहाँ के judges को समझ में ही नहीं आ रहा है कि decision कैसे दे। तो इसका जब तक जजेस को आप समझाने चलेंगे तब तक ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, इतनी मैच्योर हो जाएगी कि पब्लिशर्स विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। इतनी एडवांस हो रही है ना, या इतनी एडवांस हो गई है, मैं इंस्टाग्राम पे 2-3 पेजेस फॉलो करता हूँ जो माइथोलॉजिकल आर्टवर्क बनाते हैं, यार दे हैव परफेक्टेड फिंगर्स, मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी उनका आर्टवर्क इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा दिखता है कि मेरी देख के फट जाती है यार कि इसको हाथ से कैसे मतलब क्या हम ऐसा हाथ से बना पाएंगे, वो एआई से बना ले, दे हैव परफेक्टेड फिंगर्स, और क्या चाहिए। वही एक चीज थी जो पकड़ में आती थी एआई में, ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है भाई। जॉन कॉनर ने, जेम्स कैमरॉन ने सालों पहले बता दिया था क्या होने वाला है। But isn't it delaying the inevitable? मतलब आज हम उसको AI को नहीं, the inevitable. This has to happen. सही सही बात है, आप सही कह रहे हो, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप चाहो ना चाहो AI डेवलप होगा ही होगा, बट मैं खाली इतना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक का आप इसको कॉन्सेप्ट में यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है, गेमिंग में यूज करो, कॉन्सेप्ट आर्ट में यूज करो। कॉमिक बहुत ही पवित्र मीडियम है जिसे एक आर्टिस्ट और राइटर अपने लिटरली खून पसीने से बनाता है, यार इसको दूषित मत करो। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है उन लोगों से, उन पब्लिशर से जो एआई को अपनाना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ इजी वे आउट और पैसा भी बच जाता है। मुझे लगता है, आई थिंक इसके ऊपर अमित भाई, इस पे मुझे लगता है कि विवेक गोयल भाई को और भी जितने भी हमारे पूर्व गेस्ट्स रहे हैं, पब्लिशर गेस्ट, उन सबको बुला करके एक अलग से पॉडकास्ट करना चाहिए, सिर्फ एक राउंड टेबल करना चाहिए, एक राउंड टेबल करना चाहिए हम लोग, राइट। ओके, सो नाउ मेरे अंदर भी बहुत कुछ है लेकिन समय के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं कुछ अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। ओवर टू दो छोटे छोटे बस क्वेश्चन है, वन लाइनर भाई, एक ही मतलब, ये लोग मेरे को मारेंगे, ज्यादा लंबा मत कीजिएगा। एक है, कैन वी सी रामवी वर्किंग अगेन विथ होली काउ कुछ नया लाने में?
मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट आई ऑलरेडी नो हाउ मच ही इज गेटिंग. ठीक है, आई कांट कम्पीट विद दैट पर पेज रेट. दैट इज आई थिंक उनके उनसे ज्यादा उनका पर पेज रेट, सॉरी उनका जो भी रेट्स हैं, ठीक है, वो मैच ना कर पाना सबसे बड़ा रीजन है शायद. एक बार वो ओके कर भी दें, लेकिन वो बहुत दूर हूं यार मैं, और मैं दूर हूं तो दूसरा कौन कर पाएगा. 8-8, 9 लाख रुपए मैं किताब में लगा देता हूँ. ठीक है, मतलब आज होलिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉमिक बुक प्रोड्यूसर इन इंडिया आफ्टर अमर चित्रकथा एंड राज कॉमिक्स. ठीक है, मैं बहुत अच्छे पेज रेट्स देता हूँ, लेकिन राम वी के पेज रेट को मैच नहीं कर सकते यार. द स्पैन इज टू फार गॉन. सेकंड क्वेश्चन. अरे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट, एक क्वेश्चन नहीं था. इफ यू कैन, बिकॉज़ होली काओ का यूनिवर्स हैज बिकम अ लिटिल बिग, राइट, समबडी जॉइनिंग इन एज ऑफ नाउ, राइट, कैन यू जस्ट समवेयर एक पूरा एक रीडिंग ऑर्डर प्रॉपर्ली, सो दैट बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल आर्स गोइंग, का अघोरी है, कास्टर है, ओडी है, एवरीथिंग, एक मल्टीपल, मतलब व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर टू रीड, वो इफ यू कैन पब्लिश अस और लेट अस नो. रीडिंग ऑर्डर इज ऑलरेडी, I think you have shared somewhere. The reading order is already created. No, the reading order image is pinned on group, Holy Cow Comics official group. So okay, we'll put it here then. आप check कर दीजिएगा, आपको पता चलेगा. आप check कर लीजिएगा, अगर pin नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस उसको pin करवा दूंगा. वो मैंने 2 साल से pin करके रखा हुआ है वहाँ. ठीक है. Okay, so. Over to you, Jeet bhai, for your रिवील. तो विवेक भाई, आपने हमें 3 घंटे दिए, आपने अपनी 13 साल की जर्नी हमें यहाँ सुनाई. हम लोग जो गेस्ट आते हैं जिन्होंने कॉमिक्स के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है, उनके लिए हम वी मतलब एक होमाज, लाइक एक्शन फिगर लाइन कह सकते हैं, ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स. तो कुछ हीरो से जवाहरात बनते हैं, कुछ से औजार बनते हैं. तो औजार वाला हीरा आज हमारे साथ है, विवेक प्रमोदिनी जो है. अरे लाइक इलस्ट्रेटर, धन्यवाद, एंकर, पब्लिशर, नॉट वेयरिंग ट्राउजर विद अ कैपरी, और मक्कार छप. आई लव यू ब्रो. ट्राउजर के साथ गड़बड़ हो जाती, पूरी गड़बड़ हो जाती. ये हमने ट्राउजर को मैं त्याग चुका हूं. ये थैंक यू सो मच. अंशुल भाई ने यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट बायो दी है, विवेक भाई ने आर्ट किया है. लाइक कल तो रात में वो आर्ट करते करते सो गए. लाइक वी वर लाइक ऑफिस के काम में रहे, वी वर सो बिजी कि हम लोग ऐसा लगा था कि शायद वी विल, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई आ रहा है और उसको हम अपना आधा अधूरा काम दिखाएंगे. लेकिन आई वाज लाइक कि विवेक भाई मुझसे 2 घंटे और आगे रही, तो 7:30 को उन्होंने मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट दिखाया. मैं बोले कि हाँ सही है, दे दो. फिर ना 7:35 के 9 बज गए, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट सीन नहीं आ रहा है, तो मैं भी सोने गया. मतलब कि 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं पिंग करूंगा कि क्या है करके. तो देन अर्ली मॉर्निंग ये उठे, इन्होंने भेजा, वी वर्कड ऑन इट. एंड मुझे सबसे फन क्या लगा ना, कि जब मैंने बोला कि हम लोग वीगो का बनाएंगे एक्शन फिगर, तो एवरीबडी वर लाइक सरप्राइज्ड थे कि अरे उसका मैंने कि यार उन्होंने सबसे ज्यादा किया है अगर देखा जाए. अरे बता दो सब कौन, हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं. कौन है वो लोग, कौन है, हम बताओ सब. Either you were so approachable or whatever be the story, right? They were really surprised. Like they never felt you as somebody who has contributed so much into the. Yeah, आप तारीफ करो कि. But that's a fact. I think Vivek Goyal, आप और आपकी company ने मतलब at least Indian comics का जो भी इतिहास रहेगा, your contribution will be there. And again, thank you for coming us and joining our podcast. Go ahead, Jeet bhai. If it's okay, I would like to share Vivek Bhai's art. कौन सा वाला art? जो इन्होंने बनाया था. Yeah, sure. Go ahead. And meanwhile, वो art share कर रहे हैं. एक last question था Vivek Bhai. क्या Indian publisher पैसा कमा पा रहे हैं? मैं तो कमा रहा हूँ. पेंचीदा सवाल. आपने मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व फील हो रहा है कि आज मैं अपना घर कॉमिक बेच के ही चला रहा हूँ. वाह, सही ये, वाह. इस यहाँ तक आने के लिए, अरे लवली ये 8 साल लग गए,
इस आने पे, बट अब घर चल रहा है आराम से कॉमिक्स में. और मैं ग्लोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि आज सिर्फ घर ही नहीं चला पा रहा हूँ, बैंक पे थोड़ा सरप्लस पैसा भी है जिसको मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज भी कर सकता हूँ. ये बहुत बड़ी बात है. जनरली यही आपका हार्ट टाइट हो जाता है. चीजों को इस तरह से मैनेज कर पा रहा हूँ और लोगों का भरोसा हो गया है कि यार यहाँ से कंटेंट अच्छा मिलेगा तो आप बन करके पैसा खर्च करते हैं. मैं नोटिस किया है लोगों को कॉमिक उनको रेट से जो सीरियस बायर होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने की किताब बेच रहे हो. ठीक है, ऑब्वियसली ब्रेकिंग पॉइंट तक मत जाओ, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुशी से पैसे देने को तैयार है. मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का, बिकॉज 2011 से आज तक जितने कॉन हुए हैं मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, सारे अटेंड किए हैं मैंने. एक एक कस्टमर को खुद हैंडल करता हूँ. और आप मान लो 42 कॉमिक कॉन में से मुश्किल से 20 लोग ऐसे नहीं आए होंगे 2011 से अब तक जिन्होंने डिस्काउंट मांगा हो. लोग फुल प्राइस पे किताब लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है. उसके बहुत इंपॉर्टेंट है उसे कंटिन्यू रख पाना. बिल्कुल जी. अच्छा, आप 20 लोगों में से एक हो. फोटो इसी मैंने मांगा नहीं था. मैंने आपको एक्चुअली दे देता हूं. नहीं नहीं, मैंने मांगा नहीं था. मैंने आपको एक्चुअली बताया था कि आपकी फ्लिपकार्ट पे बुक सस्ते में बिक्री आपके फ्लिपकार्ट पे. फिर आपने मुझे बोला शायद वो स्टॉक क्लियर कर रहे होंगे आपके. आई थिंक ब्लड लाइन वाला जो आर्क है ना वो शायद फ्लिपकार्ट ने निकाला था सस्ते में. वो लोग स्टॉक इकट्ठा करके रखते थे ना, तो उनको जब वेयरहाउस क्लियर करना होता है वो लोग अपने हिसाब से उसको करते रहते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. डिस्काउंट का ऐसा है कोई मांगता है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन जब कोई मांग नहीं रहा तो क्यों ईमानदारी की चुंगम चबाना. बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज नोट किया जाए डिस्काउंट. कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि मैं सिर्फ इस सब का सार ये है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला. मैं टिक गया हूँ यहाँ पर. और अब जो लाइनअप ऑफ बुक्स आएगा, जो जिस तरह की स्टोरीज डेवलप हो रही हैं और नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, अब ऑल न्यू होली का वो बहुत जबरदस्त होने वाला है. बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है. दहेक से स्टार्ट. ऑल द बेस्ट फॉर दैट विवेक. ऑल द बेस्ट. विल लुक आउट फॉर दैट. एंड थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस. आई थिंक वी कैन रैप अप अमित. यस, इसी के साथ बाकी लोगों को भी प्लीज यस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्लिप निकाल निकाल के भेजो पर डालो. ठीक है, चलो. थैंक यू. बाय बाय. और संतरे छीलते रहो. बाय. चलो.